ओके गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक गेट एन एसी तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव दिस इज़ द लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग सेशन बट बिफोर आई स्टार्ट फटाफट मुझे कन्फर्मेशन दे दें दैट वॉइस इज़ क्लियर और नॉट और दैन विल बिगिन अकॉर्डिंग टू दैट तो फटाफट पहले मुझे कन्फर्मेशन दे दें वॉइस का जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं And then we'll start the session then we'll start the session okay so is it is it so his voice is clear is a uh, is it so? voice clear okay good morning prasad good morning everyone good morning my dear okay so the uh, the voice is clear and now now we'll begin the beginning with up, okay so this is lecture number 25 lecture number 25 and today we, we are going to start a new session today we will start a new session that is called as a pavement design pavement design pavement design और इस पेमेंट डिज़ाइन में पेमेंट डिज़ाइन में जितने भी पेमेंट डिजाइन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जितने भी पेमेंट डिजाइन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे जी हाँ मतलब अभी हम पेमेंट डिजाइन नहीं करेंगे पेमेंट दो तरीके की होती है फ्लैक्जिबल पेमेंट रिजिट पेमेंट तो इस लेक्चर में हम ना तो फ्लैक्जिबल पेमेंट डिज़ाइन करेंगे ना तो क्या डिज़ाइन करेंगे ना तो रिजिट पेमेंट डिज़ाइन करेंगे लेकिन इन दोनों के पहले इन दोनों के पहले कुछ डिजाइन फैक्टर्स होते हैं उन डिज़ाइन फैक्टर्स को हम यूज़ करेंगे ठीक सो उन डिज़ाइन फैक्टर्स से गेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं आप बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे ई एस डब्ल्यू एल है इक्वलेंट सिंगल व्हील लोड उससे क्वेश्चन आ जाता है ट्रैफिक फोरकास्ट से क्वेश्चन आ जाता है ट्रैफिक रिपीटिशन से क्वेश्चन आ जाता है ठीक है तो उस तरीके से बात करेंगे हम तो चलिए जैसे जैसे सेशन होगा आप खुद ही देख लेंगे तो चलिए स्टार्ट करता हूँ सो दिस इज़ मी कमलाकर पांडे एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट फाइव ईयर एंड आई हैव मेंटर्ड अबाउट टेन थाउजेंड स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस द इंडिया एंड आई माई सेल्फ हैव क्वालिफाइड गेट मेनी टाइम्स विद गुड रैंक्स एंड आई हैव बीन अपल्सो अपियर इन द इंटरव्यू ऑफ इन सबसे जन असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन ओके चलिए सो दिस इज़ इनशन जो बच्चे मुझे जानते हैं वो पुराने जुड़े हुए हैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये था दिस इज़ अन अकेडमी लर्निंग ऐप येस आपको प्लीज़ इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि अन अकेडमी की जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं जैसे मैंने अन अकेडमी पर बहुत सारी स्पेशल क्लासेज ली हैं रिलेटेड टू आर सी सी स्टील स्ट्रक्चर और अभी हमारा जो है इवनिंग में सिक्स पी एम पर जो चल रहा है दैट इज सॉयल मैकेनिक्स भी चल रही है प्रैक्टिस सेशन चल रहा है सॉयल मैकेनिक्स का क्या चल रहा है प्रैक्टिस सेशन चल रहा है सो दिस विल डिस्कस देर ओके एंड देर आर ऑल्सो प्लस कोर्सेज देर आर ऑल्सो प्लस कोर्सेज ठीक है बहुत सारे प्लस कोर्सेस स्टार्ट करा चुका हूँ मैं हाइड्रोलॉजी के इरीगेशन के एंड द प्लस कोर्स ऑफ आरसेज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमोरो तो दैट इज़ ऑल्सो तो वो सब आपको कहाँ मिलेगा अन अकेडमी लर्निंग आपको मिलेगा तो so, उस लर्निंग ऐप में जाइए सर्च सेक्शन में जाइए और सर्च सेक्शन में आप मुझे सर्च करिए आई एम के पी या फिर कमलाकर पांडे देन यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल माई प्लस एंड स्पेशल क्लासेस देर ओके सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा आप एज पर योर कन्वीनियंस ओके सो दीज आर सम बेनिफि ऑफ अन अकेडमी वॉट यू विल गेट देर यूल गेट डेली लाइव क्लासेज यर यस इन दीज लाइव क्लासेस यू विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद मी आप उसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डाउट पूछ सकते हैं अपना ओपिनियन रख सकते हैं अपना कॉमेंट पोस्ट कर सकते हैं सो so, इस बात की आपको फ्रीडम रहती है दैट यू कैन आस्क मी एनी थिंग रिलेटेड टू द सब्जेक्ट जो रिकॉर्डेड क्लासेज में नहीं रहती है या रिकॉर्डेड सेशंस में नहीं रहता है सो so, ये लाइव क्लासेज के फ़ायदे हैं जो आपने अकेडमी पर लगातार करते हैं कुछ लाइव टेस्ट होता है क्वेजेस होते हैं जी हाँ इन लाइव टेस्ट से और इन क्वेजेस से आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चल जाती है दैट आपको आपके सब्जेक्ट में कितने मेहनत करने की और जरूरत है या अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इन टेस्ट में इन क्वेजेस में, में मेरा पूरा नंबर आ रहा है मुझसे गलती नहीं हो रहा देन यू हैव टू फोकस ऑन सम अदर एरियाज़ ऑफ़ द एग्ज़ाम तो उस तरीके से आपको आपका जो परफॉर्मेंस का इवेलुएशन है वो लाइव टेस्ट से होता है जो भी यहाँ होता रहता है एंड ऑल दीज कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जी हाँ इट मीन्स जो भी कोर्सेज होंगे चाहे वो थ्योरी हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे मेंस का बैच हो प्री का बैच हो ऑल आर डिजाइंड एज पर योर एग्जाम सिलेबस एज पर योर एग्जाम प्रीवियस ईयर पैटर्न सो ऑल दीज आर स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंटली वन वंस यू हैव गेट सब्सक्रिप्शन जी हाँ एक बार आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया देन यू विल गेट हैव अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल दिस कोर्सेज जितनी बार चाहे उतनी बार इन कोर्सेज को देख सकते हैं लाइव में समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं या रिकॉर्डेड में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं तो उस तरीके का एडवांटेज तो बहुत सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं अन पर जो आप जानते भी हैं दीज आर द टॉप एजुकेटर्स इनसे पढ़ने का मौका आपको यहाँ पे मिलेगा आप अन पर आते हैं तो एंड दिसज आर द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज इन विच यू हैव टू चूज सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी एंड दीज आर द सब्सक्रिप्शन प्लान जी हाँ डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान दिस इज द डिफरेंट प्लान ट्वेल्व मंथ के लिए आपको पे करना होगा थर्टी टू फिफ्टी एटीन मंथ के लिए दिस मच एंड फॉर द टू ईयर ट्वेंटी फोर मंथ यू विल हैव टू पे दिस मच ओके अब अगर आप मेरा कोड कमलाकर यूज़ करते हैं शोन बिलो इफ यू आर यूजिंग माय कोड कमलाकर देन यू विल हैव टेन परसेंट ऑफ एंड द प्राइस विल बी स्लैश डाउन टू दिस मच परसेंट ओके अब प्लस सब्सक्रिप्शन लेना क्यों है प्लस सब्सक्रिप्शन इसलिए लेना है क्योंकि माई डियर स्टूडेंट जो कंप्लीट सिलेबस है जो कंप्लीट सिलेबस है जो टाइमली सिलेबस कंप्लीट होगा ठीक है टाइमली हो कंप्लीट होना कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज होना कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज होना बेस्ट कंटेंट मिलना बेस्ट टीचर जो बेस्ट टीचर है वो सब वहीं मिलेगा जी हाँ तो जो 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 अन अकेडमी के स्पेशल क्लासेस हैं या जो यूट्यूब क्लासेस हैं जो एक्सेसिबल हैं सारे बच्चों के लिए दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेज दो, classes, दो रैंडम क्लासेज ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट होगा ही कंप्लीट होगा ही या यहाँ पे जितना अच्छे से हो रहा है प्लस में इससे भी और अच्छे से होगा तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपनी क्वालिटी देख सकते हैं टीचिंग की बच्चों टीचर्स की आप अपने आप को समझ सकते हैं हाँ भाई सही है मुझे ज़रूरत है और देन आपको सिस्टमेटिक पढ़ाई प्लस पे ही आ करनी है ठीक है सो दिस दीज आर द थिंग सो चलिए आई विल स्टार्ट विद द पेमेंट डिज़ाइन आई विल स्टार्ट विद द यूनिट पेमेंट डिज़ाइन और पेमेंट डिज़ाइन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बताऊँगा आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में और रेजल्ट पेमेंट के बारे में और जब आपको फ्लेक्सिबल और रेजल्ट पेमेंट बता लूंगा देन मैं एक एक डिज़ाइन फैक्टर को क्लियर करूंगा ओके सो आई विल क्लियर ईच एंड एवरी डिज़ाइन फैक्टर देयर सो चलिए दिस इज़ यर फ्लेक्सिबल पेमेंट चलिए और देखते हैं बाकी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं थोड़ा सा आज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कमेंट पढ़ने में बट देर इज़ नो इशू आप हाँ भाई आप मुझे इतना बता सकते हैं दैट कोई इशू तो नहीं है प्रॉब्लम तो नहीं है आपको जो भी बच्चे लाइव आ गए हैं वो मुझे बता दें कि इज इट क्लियर आवाज़ वगैरह आ रही है मेरी आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं मेरी या बाकी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं यस yes, राजकुमार प्रसाद आ, कनिका एवरी क्लियर है नो प्रॉब्लम ओके चलिए ठीक है धीरे धीरे बच्चे जुड़ेंगे और आप कमेंट करते जाएंगे ठीक है चलिए जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है और रिजिट पेमेंट है रिजिट पेमेंट है इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने पेमेंट का इंट्रोडक्शन कराया था पेमेंट का इंट्रोडक्शन कराया था तो आपको बता रखा है जी हाँ मैंने बता रखा है क्या बता रखा है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है आपका बेटुमिन का जो पेमेंट है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और जो आपका कॉन्क्रीट का पेमेंट है वो क्या होता है रिजिट पेमेंट होता है अब डियर स्टूडेंट बेटुमिन के पेमेंट को फ्लेक्सिबल पेमेंट क्यों कहते हैं और कंक्रीट के पेमेंट को रिजिट पेमेंट क्यों कहते हैं इसका भी रीज़न आपको दे रखा हूं क्यों क्योंकि अगर पेमेंट तो वो है जिसको लेयर बाय लेयर बनाया जाए अगर किसी चीज़ को लेयर बाय लेयर बना रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज पेमेंट अब अगर ये बिटुविन है अगर ये बिटविन है अगर ये बिटविन की पेमेंट है मतलब टॉप में अगर आप यहाँ पे बिटवीन बिटवी कास्ट कर दिए हैं ठीक पहले तो फ्लैक्जिबल रिजिट कहते क्यों हैं फिर इसके और फीचर्स की बात करेंगे जिससे भी क्वेश्चन दिस इज द बिटवीन पेमेंट और रिजिट पेमेंट की बात करूँ तो रिजिट पेमेंट में क्या होता है एक स्लैब रखा होता है किस पे किसी सबग्रेड या बेस कोर्स पे स्लैब रखा होता है तो माई डयर स्टूडेंट अगर नीचे कोई भी चेंजेस आएंगे फ्लैक्जिबल पेमेंट में मतलब नीचे अगर कोई डिफॉर्मेशन आएगा तो ऊपर की लेयर्स में भी क्या आता रहेगा डिफॉर्मेशन आता रहेगा और ये लेयर डिफ्लेक्ट होगी मतलब जो इसका डिफॉर्मेशन है इसका जो डिफ्लेक्शन है इसका जो डिस्टॉर्शन है फ्लेक्सिबल पेमेंट का वो नीचे के लेयर के करस्पॉन्डिंग होता रहता है इट मींस नीचे अगर कोई प्रॉब्लम आया नीचे अगर क्या आया डिफ्लेक्शन आया तो टॉप लेयर में भी डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा ठीक लेकिन रिजिट पेमेंट वैसा नहीं है अगर नीचे कोई डिफॉर्मेशन आ भी रहा है तो ये तो क्या है स्लैब है ये तो स्लैब है तो स्लैब को नीचे के लेयर से कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है तो इट इज रिजिड इट इज रिजिड विद रेस्पेक्ट टू द लोअर लेयर्स इट इज रिजिड विद रेस्पेक्ट टू द लोअर लेयर्स या इट इज रिजिड विद रिस्पेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग सपोर्टिंग लेयर्स तो जो स्लैब है या जो रिजिड पेमेंट है वो अपनी सपोर्टिंग लेयर के करस्पॉन्डिंग रिजिड रहता है लेकिन जो फ्लेक्सिबल पेयमेंट है वो अपनी करस्पोंडिंग लेयर या सपोर्टिंग लेयर के सपोर्टिंग uh, लेयर के करस्पॉन्डिंग में रिजिड नहीं रहता है सो तो ये बात इस बात का आपको ध्यान रखना है तो दिस इज द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बाकी हाँ जो बिटवीन की पेमेंट होती है बिटवीन पेमेंट होती है दैट बिटवीन पेमेंट इज वॉट बिटवीन पेमेंट इज अ फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड द सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट इज द रिजल्ट पेमेंट अब हम एक एक करके प्रॉपर्टी देखेंगे एक एक करके प्रॉपर्टी देखेंगे और प्रॉपर्टी में समझेंगे ठीक सो फ्लेक्सिबल अच्छा पेमेंट माने लेयर बाय लेयर बनाना पेमेंट का मतलब ही है कि इफ वी आर कंस्ट्रक्टिंग इट इंटू द लेयर बाय लेयर सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबल पेमेंट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबल पेमेंट देन आई कैन से दैट कि इट इज देन आई कैन से दैट कि इट इज़ टे इट इज कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग यूजिंग सम बाइंडर मटीरियल इट इज कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग सम बाइंडर मटीरियल बाइंडर मटीरियल विद एग्रीगेट जी हाँ आपको करना क्या है कुछ बाइंडर मटीरियल कुछ बाइंडर मटीरियल लाइक आपको बिटविन यूज कर सकते हो टार यूज कर सकते हो कुछ और भी यूज कर सकते हो और उसको एग्रीगेट में मिला के आपको बिछा देना है ठीक है ओके वेरी गुड इट हैज़ लो और नेग्लीजिबल इट हैज लो और नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल फ्लैक्जरल रिजिडिटी फ्लैक्जरल रिजिडिटी माने फ्लैक्जर माने क्या होता है बेंडिंग और फ्लैक्जरल रिजिडिटी का मतलब है कि बेंडिंग कैरी करने की कैपेसिटी फ्लैक्जरल रिजिडिटी का मतलब है कि बेंडिंग कैरी करने की कैपेसिटी अब इट हैज लो और फ्लैक्ल रिजिडिटी लो फ्ग लो और नेग्लिजिबल अब भाई जो बिटामिन की पेमेंट है वो क्या कर सकती है जरा भी बेंडिंग मोमेंट नहीं ले पाती है या अगर कैरी भी करेगी तो बहुत कम ले पाएगी लेकिन जो रिजिड पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट ले लेता है बहुत क्यों क्योंकि रिजिड पेमेंट क्या है एक तरीके का स्लैब है तो स्लैब क्या होगा अब एज अ होल होल स्लैब की तरह से काम करेगा वो जैसे आपका छत का स्लैब काम करता है ठीक तो वो बेंडिंग मोमेंट लेगा लेकिन ये बिल्कुल भी बेंडिंग मोमेंट नहीं लेगा ये सारी चीज़ें पूछेंगे ठीक अब अगर बात करता हूँ ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं तो जो ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस है है ना ये सब भी पूछता है आपसे इज थ्रू ग्रेन टू ग्रेन इज थ्रू ग्रेन टू ग्रेन मतलब समझ रहे हैं आप मतलब एक एक ग्रेन अगले ग्रेन को ट्रांसफर करता है स्ट्रेस एक एक ग्रेन अगले ग्रेन को स्ट्रेस ट्रांसफर करता है ठीक चलिए एक बार मैं टिपिकल क्रॉस सेक्शन बनाऊँ अगर इसका इफ आई एम मेकिंग अ टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वन देन यहाँ पे मिट्टी था और मिट्टी में क्या किया आपने मिट्टी को अच्छे से कॉम्पैक्ट करके प्रॉपर मॉइस्चर पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे क्या कर दिया कॉम्पैक्ट कर दिया और कॉम्पैक्ट कर दिया तो ये बन गई आपकी क्या सॉइल सॉइल सबग्रेड ये हो गई सॉइल सबग्रेड या फिर यूँ कह दूँ ओरिजिनल ग्राउंड तो जो ओरिजिनल ग्राउंड था जो ओरिजिनल ग्राउंड था उसको हमने क्या किया ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे क्या कर दिया कॉम्पैक्ट कर दिया ठीक अब उसके ऊपर लेयर बिछाना चालू किया ठीक है मतलब अभी तक क्या ओरिजिनल ग्राउंड है आप अलग से कोई बाहर से लेयर नहीं लाए हो अब आप नीचे बाहर से एक लेयर ले आओगे दैट इज कॉल्ड ए सब बेस लेयर ओके दैट इज कॉल्ड ए सब बेस लेयर दिस इज कॉल्ड ए सब बेस लेयर सब बेस लेयर के ऊपर एक लेयर बिछाओगे दैट इज कॉल्ड एज वॉट बेस कोर्स लेयर ओके बेस कोर्स लेयर और फाइनली इस बेस कोर्स के ऊपर आप बिछाओगे वियरिंग कोर्स या सर्फेस कोर्स ठीक है तो इसके ऊपर क्या रहेगा ब्लैक टॉप पेवमेंट जो आप देखते हैं दैट इज द सर्फेस कोर्स तो सर्फेस कोर्स जो ब्लैक टॉप पेवमेंट है जिस पे गाड़ी चलती है वो सबसे टॉप में रहेगा तो सर्फेस कोर्स या वियरिंग कोर्स कहते हैं उसको सर्फेस कोर्स या वियरिंग कोर्स उसको कहते हैं तो कहने का मतलब है कि मेनली चार लेयर होती है मेनली चार लेयर होती है ठीक है सबसे नीचे जो ओरिजिनल ग्राउंड है उसको कॉम्पैक्ट करते हैं और अच्छे से डेंस करते हैं जिसको हम कहते हैं सबग्रेड वो अलग से कोई लेयर नहीं होती जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है जो एग्जिस्टिंग सरफेस है वही होता है बस उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट कर दिया है उसके बाद एक अगली लेयर आती है सब बेस की ठीक उसके बाद अगली लेयर आती है बेस कोर्स की और फिर फाइनली ब्लैक टॉप पेवमेंट आता है जो आपको जिसपे आप गाड़ी चलाते हो दैट इज कॉल्ड एज वियरिंग कोर्स या सर्फेस कोर्स तो दिस इज द क्रोसेक्शन ऑफ अ रोड दिस इज द क्रोसेक्शन ऑफ अ रोड ओके ऑफ रोड वॉट फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है मैंने कहा बोला बेंडिंग मोमेंट नहीं ले सकता क्यों नहीं ले सकता क्योंकि एक ग्रेन दूसरे ग्रेन से कनेक्ट होता है मतलब एक 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 जो आपका एग्रीगेट है या एक एक जो ग्रेन है वो ग्रेन बाय ग्रेन लोड नीचे जा रहा है क्लियर है कॉन्सेप्ट लेकिन रिजिड पेमेंट में ऐसा नहीं है रिजिड पेमेंट में ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि रिजिड पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो चलो मैं रिजिड पेमेंट का पहले क्रॉस सेक्शन ही बना देता हूँ रिजिड पेमेंट का मैं पहले क्रॉस सेक्शन ही बना देता हूँ नीचे क्या है आपका यह ओरिजिनल ग्राउंड सब ग्रेड नीचे क्या है आपका ओरिजिनल ग्राउंड सॉयल सबग्रेड अब क्या करते हैं बच्चे सॉइल सबग्रेड के ऊपर एक लेयर बिछाते हो हम कहते तो इसको बेस कोर्स है लेकिन क्या होता है वो लीन कॉन्क्रीट की एक लेयर होती है लीन कॉन्क्रीट मतलब पतली सी कॉन्क्रीट रखती है जस्ट लाइक लीन कॉन्क्रीट की एक लेयर बिछाते हो जिसको आप ज़रूर बेस कोर्स कहोगे बेस कोर्स तो कह दोगे लेकिन ये लीन कॉन्क्रीट होता है और अगर मैं बात कहूँ कि कॉन्क्रीट होता है तो क्या इसके मिक्स प्रोपोर्शंस होते हैं तो दिस इज द लीन कॉन्क्रीट और अगर इसके मिक्स प्रोपोर्शन की बात करना चाहें तो वन इज फाइव टेन यान इज फोर इज एट ये और इसके ऊपर आप अपना क्या बिछाते हो स्लैब बिछाते हो अब स्लैब यार डायरेक्टली मिट्टी पे भी नहीं बिछा सकते स्लैब डायरेक्टली मिट्टी पे भी नहीं बिछा सकते ठीक है तो तो इस तरीके से आप अपना स्लैब बिछाते हो तो दिस इज कॉल्ड ए स्लैब या फिर कह देंगे सर्फेस कोर्स तो होता क्या है कि दिस इज द रिजिड पेमेंट अब रिजिड पेमेंट क्या पे कर दियो पूरी की पूरी स्लैब भी बिछा दिए हो अब अगर माइडियर स्टूडेंट so आप पूरी की पूरी स्लैब बिछा दिए हो सो होट इट विल क्रिएट इट विल क्रिएट अब अब ये ये क्या क्या करेगा पूरा का पूरा स्लैब एक्शन के थ्रू ट्रांसफर करेगा सो इट हैज मोर बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी एंड द लोड विल बी ट्रांसफर्ड एज लोड इज ट्रांसफर इन द स्लैब जिस तरीके से मेन स्लैब में बिल्डिंग के स्लैब में लोड ट्रांसफर होता है उसी तरीके से इसमें भी लोड ट्रांसफर होगा ठीक है तो हाँ भाई तो मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ तो आई कैन राइट दैट कि इट इज कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्टेड बायिंग यूजिंग पोर्टलैंड सीमेंट ठीक है प्लेन और रिनफोर्स कॉन्क्रीट जी हाँ रिनफोर्स कॉन्क्रीट या मतलब प्लेन सीमेंट का भी बनाते हैं और अगर चाहो तो उसमें क्या लगा दो आप रिनफोर्समेंट भी लगा दो है ना चाहो तो उसमें रिनफोर्समेंट लगा दो और या फिर कह दो या फिर और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो आप देखते हो ना कि स्लैब बिछा देते हैं फ्लाईओवर वगैरह में जिसपे गाड़ियां चलती हैं तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का भी वो रहता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का भी रहता है ओके सो so, मैं कह रहा हूं कि या तो आप प्लेन या इनफोर्ज कंक्रीट का बना दो स्लैब मतलब स्लैब या तो सिंपल प्लेन कंक्रीट का बना दो या फिर उस कंक्रीट पर इन्फोर्समेंट डाल दो या फिर प्री स्ट्रस्ड कॉन्क्रीट का स्लैब बना दो तो जनरली जो फ्लाई ओवर के फ्लाई ओवर वगैरह में जो स्लैब होती है वो प्री स्ट्रस्ट की स्लैब ले जाते हैं कास्ट करते हैं पहले कहीं पे फैक्ट्री में प्री स्ट्रस्ड स्लैब और फ्लाई ओवर में सीधा ले जाकर रख देते हैं ठीक तो प्री स्ट्रस्ट कॉन्क्रीट जब आप पढ़ोगे तो क्लियरली समझ जाओगे अगर नहीं पढ़ा है आपने प्री स्ट्रस्ट तो मेरे स्पेशल क्लासेज जो अन की ऐप है उसमें स्पेशल क्लासेस में फ्री है

देखिए राजकुमार इट स्टार्ट्स वेयरिंग वैसे तो आपको पता है कि अगर आप कहाँ बना रहे हो अगर आप एक्सप्रेस की स्लैब बना रहे हो तो इट शुड बी वेरी हाई एंड आप नॉर्मल किसी सिटी की स्लैब बना रहे हो इट शुड बी लो लेकिन अगर आप एक ग्रेड जानना चाहें एक ग्रेड जानना चाह रहे हैं कि फिर भी सर फिर भी तो फिर भी इट शड एम थर्टी फाइव जी हाँ एम थर्टी फाइव का ग्रेड मैक्सिमम जगह पे यूज़ होता है एज अ स्लैब ऑफ द रिजिड पेमेंट तो जो स्लैब ऑफ द रिजर्व पेमेंट बनाते हैं उसमें एम थर्टी फाइव का जनरली ग्रेड आ, आपका क्या होता है आ, डलता है लेकिन फिर वही क्या है कि मैं बात करता हूँ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट अब प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट में तो प्री टेंशन पोस्ट टेंशन में मिनिमम ही तीस और चालीस होता है ग्रेड तो वहां पर ग्रेड बदल जाएगी समझ रहे हो या फिर फिर बहुत अच्छे क्वालिटी की कोई हम बना रहे हैं एक्सप्रेसवे तो वहां पे भी ग्रेड थोड़ा सा बढ़ सकता है या खराब क्वालिटी की आपकी जैसे आपकी कॉलोनी में भी बनी होगी रिजिट पेमेंट तो उस रिजिट पेमेंट को हम पैंतीस से थोड़ी बनाएंगे थोड़ा कम भी रहेगा तो भी चलेगा ठीक है लॉन्ग गैप कितना होता है राहुल सिंह ये जॉइंट पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा लॉन्गिट्यूडल गैप कितना होता है ये जॉइंट पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा ठीक है एक्सपेंसन और कॉन्ट्रक्शन जॉइंट 4.4 मीटर होता है या फिर वो कैसे आता है तो वो मैं जब जॉइंट्स पढ़ाऊंगा क्योंकि जॉइंट्स तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ा दूंगा ठीक अभी रिलेटेड टू द फॉर्मेशन आप मुझसे जितने क्वेश्चन बेसिक फंडेज रिलेटेड क्वेश्चन है पूछे ठीक वैसे तो 4.4 मीटर का जनरली होता है जब डबल बार नहीं लगाते बार नहीं लगाते हैं तब ठीक है राहुल सिंह लेकिन उसको जब जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तब आप उर, आप बने रहिए क्वेश्चन में आ, पहले फ्लेक्जिबल फिर रिजिल होगा लास्ट में जॉइंट्स आएंगे और जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहाँ सारा क्लियर हो जाएगा हाँ भाई तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर है आपको हाँ जनरली एक् एक्सप्रेस वे में रिजिट पेमेंट ही यूज़ करते हैं रिजिट पेमेंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रिजिट पेमेंट क्या होता है बच्चे कि रिजिट पेमेंट बनाने में तो ज़्यादा खर्चा आता है ठीक है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आता है लेकिन क्या होता है मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाती है मतलब जो बार बार टूटी रहती रोड ना और बार बार टूटी रहती रोड और बार बार उसको रिपेयर करना ना ये रजिड पेमेंट में नहीं होता एक बार बना दिया तो वो जनरली बहुत कम टूटेगा पहला चीज़ दूसरा चीज़ इसको पानी से कम नुकसान होता है लेकिन जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसको पानी से ज़्यादा नुकसान होता है दूसरा तीसरा चीज़ जब भी फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाओगे या रजिड पेमेंट बनाओगे अगर किसी को मेंटेन करना हो रिपेयर करना हो तो होगा क्या कि आपको ट्रैफिक रोकना पड़ेगा तब तो रिपेयर करोगे तो रिजिट पेमेंट या एक्सप्रेस में तो ट्रैफिक रोक नहीं सकते तो एक बार में ही बढ़िया रिजिट पेमेंट बना देते हैं और फिर उसको हम चलने देते हैं तो सालों साल चलता है वो ठीक बाकी कभी कभार उसके ऊपर वो क्या करते हैं बिटवीन की लेयर बिछा देते हैं फॉर स्मूदनेस एंड फॉर फ्रिक्शन फ्रिक्शन वगैरह के चक्कर में प्रसाद कह रहे हैं कि रेन्फोर्समेंट कब प्रोवाइड करते हैं यार जब आपको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो ज्यादा इन्फोर्समेंट देना पड़ेगा या फिर यूं कह दो कि गैप गैप भी डिपेंड करेगा रेनफोर्समेंट पे तो जब मैं जॉइंट्स बताऊंगा तब वहां पे रीजन बता दूंगा कि स्ट्रेंथ के लिए भी रेन्फोर्समेंट देना पड़ेगा और गैप को भी कम ज्यादा करने के लिए रे देना या नहीं देना पड़ेगा ठीक है प्रसाद सो तो ये सारा चीज ज्वाइंट में क्लियर कवर हो जाएगा ओके ऑब्वियसली प्लेन कॉन्क्रीट बनाओगे कमजोर होगी रोर्स कॉन्क्रीट बनाओगे ज्यादा स्ट्रांग होगा ऑब्वियस बात है ठीक है स्पीड ज़्यादा किस में होगा सर फ्लेक्सिबल या रिजिट नहीं स्पीड के बारे में इस आपके टाइप ऑफ पेमेंट से कोई कॉमेंट नहीं हो सकता ठीक है फ्लेक्सिबल भी बहुत कई तरीके की बनती है अगर फ्लेक्सिबल भी आपने टॉप क्वालिटी की बना दी है तो उसमें भी सौ जा सकते हैं रिजिट में भी सौ जा सकते हैं वो डिपेंड करता है स्पीड का इससे रिलेशन नहीं है बच्चों इससे रिलेशन नहीं है लोड का इससे रिलेशन है लोड का इससे रिलेशन है लोड का रिलेशन है आप एट टन एट टन आ एट पॉइंट टू टन से ज़्यादा लोड नहीं रखते हैं लोड का इससे रिलेशन है कि कितना लोड ले जाए लेकिन स्पीड का रिलेशन नहीं है स्पीड तो ट्रैफिक कंट्रोल करता है वहां पे और वो उसी में भी जा सकते हैं हम ठीक चलिए अगर अगर देखिए मैं आपको बार बार बताया हूं कि दिस इज़ द इंपॉर्टेंट सेशन क्योंकि ये जो तीनों चारों पॉइंट लिखे हमने ये जो तीनों चारों पॉइंट लिखे हमने यहाँ पे चाहे इसके हों चाहे इस के हों पहली बात तो इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में ठीक ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछेगा अब कुछ बेहतर चीज़ें हैं जिनको जानना है जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनेंगे ठीक तो न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो मैं बात करता हूं डिजाइन फैक्टर्स जो आपको सबसे पहले आप आप देख ही रहे हैं थमनेल में ही देख रहे हैं या टाइटल देख रहे हैं डिज़ाइन फैक्टर्स तो डिज़ाइन फैक्टर में जो पहला फैक्टर होता है पहला फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज मैक्सिमम मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड मतलब समझ रहे आप म, इनके कहने का ये मतलब है कि मैक्सिमम लीगली कितना लोड आ सकता है ये ये लोड का भी क्राइटेरिया है और इस लोड के क्राइटेरिया का आपको चेक करना पड़ेगा कि एक एक्सल एक 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 पे एक एक्सल पे मैक्सिमम कितना लोड आ सकता है मैक्सिमम कितना लोड आ सकता है सारा चीज कंपेयर होगा किसके टर्म में टर्म में कंपेयर होगा सो मैं बात है सिंगल एक्सल सिंगल एक्सल विद डुअल व्हील असेंबली एक सैंड बच्चों जो स्टैंडर्ड एक्सल ओ व्हाट आई डिड है ना सिंगल एक्सल एक सेकंड वेट वेट सिंगल एक्सल विद डुअल व्हील ऑन बोथ साइड जी हाँ मतलब इनके कहने का मतलब यही स्टैंडर्ड एक्सल है क्या स्टैंडर्ड एक्सल है सिंगल एक्सल विद डुअल व्हील ऑन बोथ साइड मतलब मतलब बात करता हूं जो छह चक्के वाली ट्रक है उसमें जो पीछे वाली एक्सल है तो पीछे वाली एक्सल में हर एक तरफ कितना व्हीकल होता है दो दो व्हील होता है दो दो व्हील होता है दिस इज कंसीडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड एक्सल दिस इज कंसिडर्ड टू बी स्टैंडर्ड एक्सल ये लोड पूछ रहा है वो जो छह चक्के वाली ट्रक होती है ट्रक के जो पीछे का एक्सल होता है एक्सल में हर तरफ दो दो व्हील होता है तो आईआरसी ने इंडियन रोड कांग्रेस ने इस इस एक्सल को कैसा कैरी कर सकता है ज्यादा से ज्यादा वो एट वन सेवन जीरो के जी कैरी कर सकता है जी हाँ या फिर यूं कहूं एट्टी अच्छा के जी में अगर मैं बात करता हूं एक के जी तो एक के जी बराबर कितना होगा अगर मान लो एट वन सेवन जीरो के जी ले रहा हूं इधर देखो एट वन सेवन के जी तो एक के जी बराबर दस न्यूटन एक के जी बराबर अगर दस न्यूटन है तो एट वन सेवन जीरो जीरो न्यूटन अब अगर न्यूटन को किलो न्यूटन में करना है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो ठीक है तो तीन स्थान तीन स्थान पे पॉइंट लगा दो तो एक क्या हो जाएगा आपका 81.7 या 82 किलो न्यूटन तो किलो न्यूटन की बात करते हैं तो 82 किलो न्यूटन कर दिया ठीक है कैसे किया साल में आ गया के में 10 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन और उसमें हजार से डिवाइड कर दिया तो किलो न्यूटन ओके तो 82 किलो न्यूटन या फिर मैं बात कहूँ अगर कहीं कहीं आपको एट्टी किलो न्यूटन मिलेगा तो भी ले लीजिएगा ठीक या फिर कहीं आपको अगर एट टन मिलता है तो भी ले लीजिएगा या एट टन मिलता है तो भी लीजिएगा एक टन क्या होता है हजार किलो बराबर एक टन होता है तो अगर आठ किलो है तो एक टन में लेना है तो आठ 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 टन हो जाएगा सो so, कहने का मतलब है दीज आर द स्टैंडर्ड कुछ भी आपको मिल सकता है आपको ले लेना है कुछ भी आपको ले लेना है लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है जो स्टैंडर्ड लोड ये कैरी कर सकता है दिस वन इज एट वन सेवन जीरो के जी तो कौन सा एक्सल स्टैंडर्ड एक्सल कौन सा एक्सल स्टैंडर्ड होता है जिस एक्सल के दोनों तरफ दो दो व्हील लगे होते हैं दिस इज क्लियर दिस इज कॉल्ड टू बी स्टैंडर्ड एक्सल ओके लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है अब माय डियर स्टूडेंट देखो क्वेश्चन क्या बनता है ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक्सल में दोनों तरफ दो दो व्हील लगे हों पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक्सल में 82 किलो न्यूटन या 80 किलो न्यूटन ही लोड लगे दूसरा पॉइंट तो कहने का मतलब यह है कि इनका कहना है कि जो मैक्सिमम लीगल एक्सल लोड है वो आपने कह तो दिया इतना होना चाहिए या स्टैंडर्ड एक्सल ये होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में होगा ही होगा तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं होगा तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर जो एक्सल स्टैंडर्ड नहीं है या जहां पर स्टैंडर्ड लोड नहीं है तो उसकी स्टडी कैसे करेंगे या उसको डिजाइन कैसे करेंगे ठीक है तो वही मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ तो दैट इज यहाँ देखो कि दैट आर दैट आर ड standard, जो स्टैंडर्ड standard नहीं है स्टैंडर्ड और नॉट कैरिंग नॉट कैरिंग लोड और नॉट कैरिंग लोड इक्वल टू एटी किलो न्यूटन नॉट कैरिंग लोड इक्वल टू एट्टी किलोनी किलोनी टू आर कन्वर्टेड टू उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक आर कन्वर्टेड टू इक्वेलेंट नंबर ऑफ तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आर कन्वर्टेड टू नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल स्टैंडर्ड एक्सल एक्सल यूजिंग यूजिंग इक्वेलेंट एक्सल लोड फैक्टर जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछता है गेट में बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते तो इक्वलेंट एक्सल लोड फैक्टर जी हाँ जी हाँ मतलब जो स्टैंडर्ड नहीं है या जिसमें स्टैंडर्ड लोड नहीं है उसको हम करेंगे किसकी हेल्प से स्टैंडर्ड करेंगे इक्वेलेंट एक्सल लोड फैक्टर की हेल्प से करेंगे स्टैंडर्ड किसकी हेल्प से इक्वलेंट एक्सल लोड फैक्टर की हेल्प से करेंगे तो कैसे निकालते हैं ये वाला फैक्टर तो अगर आपको इक्वलेंट एक्सल लोड फैक्टर निकालना है इक्वलेंट एक्सल लोड फैक्टर निकालना है किसी एक्सल का ऑफ एन एक्सल तो करिए क्या कि उस एक्सल में जितना लोड है उस एक्सल में जितना लोड है डिवाइडेड बाय क्या करिए स्टैंडर्ड लोड स्टैंडर्ड लोड आपको पता है स्टैंडर्ड लोड आपको पता है कुछ नहीं दिया रहता तो एट्टी किलोमीटर ले लेंगे और रेश पावर क्या कर दीजिए फोर कर दीजिए मतलब अगर ई एल एफ की हम बात करें तो लोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड तो लोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड 80 एट्टी रेश पावर क्या कर दीजिए फोर कर दीजिए थोड़ा कम समझ में आया तो हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सल है एंड इट इज़ कैरिंग एक सौ वन सिक्सटी किलोमीटर लोड कैरी कर रहा है है ना कोई एक्सल है जो कितना लोड कैरी कर रहा है वन सिक्सटी किलोमीटर तो इसका जो इक्की वक्सल लोड फैक्टर निकालेंगे दैट दैट विल विल बी बी लोड डिवाइडेड स्टैंडर्ड टू टू सो इट इज तो कहने का मतलब यह है माई डियर स्टूडेंट कि यह जो एक्सल है ये वाला ये वाला एक्सल जो है कौन सा एक्सल ये सिक्सटी वाला ये एक एक्सल ये, ये सोलह स्टैंडर्ड एक्सल के बराबर है जी हाँ आप डायरेक्ट डिवाइड करके डबल नहीं कर सकते ठीक सोलह स्टैंडर्ड एक्सल के बराबर है समझ गए मेरी बात? तो एक्सल लोड फैक्टर निकलेगा ठीक ओके एक्सल लोड फैक्टर निकलेगा और कभी भी कभी भी अगर फ्रंट व्हील की बात करें हमेशा जो लोड कैरी करता है बेटा वो बैक व्हील कैरी करता है जो फ्रंट व्हील्स होते हैं ना ये बात भी आपको पता होगी जो फ्रंट व्हील होते हैं वो क्या होते हैं जनरली केबिन वगैरह को सपोर्ट support करते हैं सपोर्टिंग व्हील होते हैं जो उतना लोड कैरी करता है वो कौन करता है बैक व्हील ही करता है या बैक एक्सल ही करता है तो अगर कहीं आपको फ्रंट वगैरह पे क्वेश्चन मिल जाए तो फ्रंट एक्सल का निकालना पड़े तो फ्रंट विल कैरी विल ऑलवेज कैरी सिक्स टन तो फ्रंट एक्सल जो है वो छह टन कैरी करता है सिक्स टन है ना चाहे कुछ भी हो सिक्स टन कैरी करता है बॉटम वाला एट पॉइंट टू टन या एट टन था करेक्ट है सो दिस इज द थिंग तो लोड फैक्टर निकाल लेंगे करेक्ट किसके किसके के रेफरेंस में स्टैंडर्ड एक्सल या स्टैंडर्ड डोड के रेफरेंस में ओके माय डियर स्टूडेंट तो दिस इज द थिंग दिस इज द थिंग चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या है तो इससे बेहतर मैं अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ ठीक है एक नोमेरिकल एक एक और मैं आपको मैकुलियड फार्मूला भी बता देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ ठीक है तो मैकुलियड फार्मूला आया है उससे क्या होगा यहां पे आप समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा मैक्युलेट फॉर्मुला क्या होता है माई डेयर स्टूडेंट कि इसने दिया है कि पी एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट जी हाँ पी एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो पी क्या है पी है पी है एक्सल लोड एक्सल लोड और जो एन है वो है एक्सल लोड रिपीटिशन मतलब समझ रहे लोड मतलब जो लोड इनटू लोड का रिपीटिशन उसको रखना है कांस्टेंट तो अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो मतलब अगर पी वन लोड पे एन वन रिपीटिशन हो रहा है ध्यान दो अगर पी वन लोड पे एन वन रिपीटिशन हो रहा है तो अगर पी टू लोड रखना है तो रिपीटिशन एन टू रखना पड़ेगा कहने का मतलब यह है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी और दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी तो इट मीन तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट रहेगा तो इनके कहने का मतलब है कि अगर लोड बढ़ेगा लोड बढ़ेगा तो रिपिटिशन घटेगा और अगर रिपीटन बढ़ेगा तो क्या होगा लोड घटेगा ठीक क्यों क्योंकि क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए यह किसने बताया था हमको मैकलियड ने बताया था मैकलियर ने बताया था आई ओके इज इट क्लियर इज इट क्लियर ठीक है हाँ भाई चलो यहां तक क्लियर है अगर क्लियर है तो आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं जो आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे देगा इस इन कॉन्सेप्ट की एक हम न्यूमेरिकल कर लेंगे जी हाँ एक न्यूमेरिकल हम कर लेंगे तो इट विल गिव यू द मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट है ना चलिए और ये इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा कि क्वेश्चंस नहीं बनते हैं बहुत क्वेश्चंस आते हैं बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से है ना एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा आपके जो शुरू के जो तीन यूनिट है क्योंकि ऑब्वियसली ये लास्ट यूनिट ही है जो अगर मेजर यूनिट्स की बात करें तो चार यूनिट है माइनर यूनिट्स की बात करें तो छह यूनिट है मतलब मेजर यूनिट की बात करें तो चार यूनिट मतलब तो कैसे जोमेट्री डिज़ाइन ट्रैफिक पेमेंट डिजाइन मटेरियल चार यूनिट और अगर माइन कुछ और यूनिट को ले लो तो पहला इंट्रोडक्शन वाला यूनिट है उसको भी ले लो और लास्ट में जो मेंटेनेंस और रिपेयर रिपेयरिंग वाला यूनिट है उसको भी ले लो तो अगर छह यूनिट भी आप मानते हो तो आपके चार यूनिट हो चुके हैं पांचवा यूनिट चल रहा है मतलब मोस्टली सब कुछ हो चुका है ठीक है क्योंकि छठवां यूनिट किसी काम का है नहीं है तो कायदे से मान लो तो लास्ट यूनिट चल रहा है आपका ठीक है अब करना क्या है आपको आपको गेट के सवाल साइमल्टेनियसली लगा लेने हैं तो क्योंकि गेट के सवाल अगर आप नहीं लगा रहे हो गेट के सवाल अगर आप नहीं लगा रहे हो तो ये जो पढ़े हो ये धीरे धीरे सब आप भूल जाओगे या जो कॉन्सेप्ट आपका बना है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा हल्का हो जाएगा धूमिल हो जाएगा आपको उतना मज़ा आएगा नहीं उतना मज़ा आएगा नहीं तो क्या करिए गेट के क्वेश्चन आप धीरे धीरे सब लगाइए मतलब ट्रैफिक के क्वेश्चन तो मैंने खुद ने प्रैक्टिस करा दिए थे एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन मैंने खुद ने प्रैक्ट सॉरी जोट्री जाइाइन जो, जो के भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिए थे और आपको करना क्या है कि खुद से बाकी जो है हाईवे मटेरियल्स या फिर पेमेंट डिजाइन के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एक सेशन में हाईवे मटेरियल पर भी ले लूँ क्या अगर आप चाहते हैं कि एक नोमेरिकल सेशन में हाईवे मटेरियल पर भी ले लूँ यू वॉन्ट कि एक सेशन में हाईवे मटेरियल पर भी ले लूँ अगर आप चाह रहे हैं कि एक सेशन में नोमेरिकल्स करा दूँ प्लस कोर्स एक ले प्लस का एक स्पेशल लेक्चर ले लेता हूँ प्रसाद कह रहे हैं ले लो बाकी बच्चे चलो तो एक काम करता हूँ मैं कल टुमारो टुमारो जो है हमारा सॉइल का तो चल ही रहा है लेक्चर जैसे शाम को छः बजे सॉइल का है लेक्चर ठीक है बारह बजे था यार लेकिन एक्चुअली में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया सो आई हैव टू गो टू द शॉप और वहाँ रिपेयर वगैरह करना उसने दोपहर का ही टाइम दे दिया मुझे तो उस वजह से मैं दोपहर की लेक्चर नहीं ले रहा शाम को ही ले रहा सवाल के ले लेक्चर तो कल जो करूंगा कल मैं क्या कराऊंगा कल हाईवे मटेरियल आपका फिनिश हो ही है तो कल जो है दोपहर में uh, बारह बजे तो नहीं तो दस बजे से कल दस बजे से एक मैं स्पेशल लेक्चर ले लूँगा स्पेशल लेक्चर ले लूँगा ले किसका हाईवे uh, मटेरियल anyway पे स्पेशल क्लास ऑन हाईवे मटेरियल तो उससे जो हाईवे मटेरियल जो है आपका जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं uh, जो आप पढ़ चुके हैं उसका काफ़ी सारा क्वेश्चन करा दूंगा ठीक और हाँ प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज यस सैयद जावेद वेरी गुड बच्चे ये अच्छा क्वेश्चन है जावेद का क्वेश्चन क्योंकि इन इस क्वेश्चन का मैं वेट करता हूँ अरे यार ये क्या हो गया एक सेकंड रुक जाओ जावेद मैं बताता हूँ तुमको घबराओ मतर फ्रॉम वेयर यू विल गेट है ना हाँ हाईवे हाँव, मेंटेनेंस भी कराएंगे वेयर यू विल गेट दिस इज द चैनल जावेद दिस इज द चैनल यूट्यूब चैनल जिस चैनल पर आप देख रहे हैं मुझे ठीक है इसी चैनल पे जाइए इसी चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे क्योंकि मैंने बहुत शुरू में कराया था तो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन में आरसीसी स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन में स्टील स्ट्रक्चर ये दोनों मैंने करा दिया ठीक तो आरसीसी में आपको मिलेंगे दस लेक्चर स्टील में आपको मिलेंगे आठ या छह लेक्चर ठीक है दो दो घंटे के लेक्चर हैं और इन दोनों में गेट के जितने भी क्वेश्चन हैं गेट के जितने भी क्वेश्चन हैं आरसीसी के स्टील के वो सब कवर करा दिए मैंने ठीक है इसी चैनल पे फिर उसके बाद क्या होगा हाईवे इंजीनियरिंग के लिए आएंगे सो हाईवे इंजीनियरिंग में भी बाईस से पच्चीस लेक्चर हैं उन बाईस से पच्चीस लेक्चर में तीन क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग में भी करा दिए हैं तो वहां से वो भी आप कर लेंगे जावेद है ना तो करिए क्या इसी चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए और कमलाकर पांडे ने जितने भी कोर्सेज बनाए हैं उन सारे कोर्सेज को देखिएगा आरसीसी स्टील का कोर्स तो मस्ट है आरसीसी स्टील का कोर्स इसलिए मस्ट है क्योंकि आरसीसी स्टील के कोर्स सारे बच्चों को देखना है जिसने नहीं देखा है उसको भी क्योंकि बहुत डिटेल में आरसीसी और स्टील पढ़ाई हुई है मैंने वहां पर ठीक है मतलब सिर्फ मैंने क्वेश्चन नहीं कराया उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी थ्योरी कराई है सारा डिस्कशन कराया है सारा डेरिवेशन कराया है और जरूरत पड़ा है तो डायग्राम भी दिखाया है ग्राफ भी दिखाया है सब कुछ दिखाया है तो मैंने आर और स्टील पूरा कंप्लीट करा दिया है इसी यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर और मैंने हाईवे के भी 300 क्वेश्चन करा रखे हैं तो अगर जो क्वेश्चन करना चाहता है हाईवे का वहाँ से कर सकता है जो न्यूमेरिकल करना चाहता है थ्योरी पढ़ना चाहता है या कंप्लीट कोर्स वो अभी चल ही रहा है ठीक सो कल हम दस बजे एक स्पेशल सेशन रख लेंगे हाईवे मटेरियल के ऑब्जेक्टिव्स का ठीक है और फिर हमारा बारह बजे और छः बजे जो भी रहता है सॉइल का वो चलेगा ही चलेगा और कल से प्लस कोर्स भी लॉन्च है तो आर का आर का हमारे पास कल से प्लस कोर्स लॉन्च है मैं आपको एक बता दे रहा हूं कि आर को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं क्योंकि ऑब्वियसली प्लस कोर्स है दूसरा यह है कि इस बार बहुत ज्यादा टाइम लेकर आर पढ़ा रहा हूं सो so, जितना भी डिजाइन कंपोनेंट है पूरा डिटेल में डिजाइन देखेंगे एक एक कंपोनेंट को डिटेल में देखेंगे आई एस कोर्ट से हर हर प्रोविजन के डिजाइन को चेक किया जाएगा ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कन्वेंशनल क्वेश्चन पे भी ज्यादा से ज्यादा फोकस रखेंगे भाई डिजाइन होगा तो कन्वेंशनली होगा और जितने भी गेट के और एसी के क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर कराऊंगा मैं प्लस कोर्स में तो दिस आर प्लस कोर्स विच इज कमेंसिंग फ्रॉम ट्वेंटी आई मीन टुमोरो इसको भी जो प्लस के स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे प्लस के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और जो बच्चे प्लस लेने का मूड बना रहे हैं उनको फटाफट आके ले लेना है क्योंकि आरसीसी इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑन द प्लस ओनली ओके चलिए सर व्हाट योर प्लस कोर्स नेम वॉट प्लस कोर्स मीन प्लस कोर्स मीन्स सैयद जाविद प्लस कोर्स मीन्स पेड कोर्स ओके फॉर द प्लस कोर्स वॉट यू विल डू आप करेंगे क्या यूल हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑन दिन अकेडमी एंड देन आफ्टर सब्सक्रिप्शन यू कैन एक्सेस दीज ऑल प्लस कोर्सेज प्लस कोर्सेज आर कम्प्लीट कोर्सेज सिस्टमेटिक कोर्सेज डिटेल्ड कोर्सेज यूट्यूब कोर्सेज आर कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज फ्री कोर्सेज सो इफ यू वॉन्ट टू स्टडी फ्री कॉम्प्लीमेंट्री रैंडम लेक्चर्स देन रेफर यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेज and if you want to co cover complete syllabus timely with uh, with the better uh, understanding with better um, teachers top teachers so you will have to come to plus okay that is mean the plus course okay so chali and while using plus course every time you have to remember the code kamlakar using the code kamlakar not only help you the discount it will also help you some other benefits also ओके okay? सो so, चलिए चलिए ठीक है बहुत हो गया बातें अभी हम स्टार्ट करते हैं सो दिस इज द थिंग सो आई एम गिविंग न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं एंड आई विल टेक अ न्यूमेरिकल सेशन ऑन सेम ओके फॉर एनी अदर डाउट आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ओके सो चलिए वॉट इज द क्वेश्चन न्यूमेरिकल वॉट इज द न्यूमेरिकल ओके ओके दिस इज द न्यूमेरिकल वॉट इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज द वॉट वन डे वन डे एक्सल load survey one day excel load survey of trucks is given one day excel load survey of trucks is given okay very good and find the find the find the equivalent find the equivalent number of axle find the equivalent number of axle load repetition find the equivalent number of axle load repetition

क्या देखा ड्राइवर ने इसने देखा कि 35 से 45 किलो न्यूटन मतलब व्हीकल्स विच आर कैरिंग लोड 35 टू थर्टी फाइव टू फोर्टी टाइम्स ओके आठ 800 गाड़ियां ऐसी हैं 800 गाड़ियां ऐसी हैं जिनका लोड कितना है 35 से 45 है ओके और अगर मैं और आगे बात करता हूँ इफ आम टॉकिंग आउट पिछहत्तर से पिचासी तो पिछहत्तर से पिचासी न्यूटन लोड कैरी करने वाली गाड़ियां कितनी है चार सौ गाड़ियां इट मीन देयर आर ट्वेल्व हंड्रेड वहीकल्स There are 1200 vehicles are going on the road when he is taking survey. And out of which, out of which, there are 800 vehicles, 800 vehicles, yeah, 800 repetition having load in between 35 to 45, and the 400 vehicles having load between 75 to 35. But you will have to convert equivalent number of standard axle. So, रेंज है रेंज है तो बच्चों क्या कर लेना है एवरेज कर लेना है सो so, पैंतीस से पैंतालीस को कर लिया हमने चालीस एवरेज एंड पिछहत्तर से पिछासी को कर लिया अस्सी सो so, आप ये कह सकते हैं कि चालीस वाले का रिपीटेशन है अस्सी और अस्सी वाले का रिपीटेशन है चार सौ तो अब आपको क्या बताना है ई एल एफ निकालना है ई एल एफ इक्वल क्या होता है इक्वल लोड बाई स्टैंडर्ड लोड की पावर फोर इट मीन लोड इज हाउ मच फोर्टी लोड इज हाउ मच फोर्टी एंड स्टैंडर्ड लोड इज हाउ मच एट्टी रेस टू पावर फोर इट मीन बाई हियर इज द लोड इज हाउ मच एट्टी एंड वट इज द स्टैंडर्ड लोड एट्टी एट्टी बाई एट्टी वन रेस्ट पावर फोर दैट इज वन तो दिस इज दल एफ नाउ इफ यू वॉन्ट स्टैंडर्ड रिशन अगर आपको क्या चाहिए स्टैंडर्ड रिशन होता है तो स्टैंडर्ड रिपीटिशन में आपको करना क्या है जो ई एल एफ आया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मल रिपिटिशन से तो दिट इज गोइंग टू बी फिफ्टी एंड दिस इज द वन इज गोइंग टू बी फोर हंड्रेड दैट इज कॉल्ड एज फोर हंड्रेड तो साढ़े चार सौ रिपीटिशन जो है स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड रिशन किसके टर्म में होता है हमेशा इन द टर्म ऑफ एट्टी किलोमीटर होता है स्टैंडर्ड रिशन इज ऑलवेज इन द टर्म ऑफ एट्टी किलोमीटर होता है बिकॉज बिकॉज दिस स्टैंडर्ड लोड इज एट्टी दिस स्टैंडर्ड लोड इज एटी लेकिन लेकिन अगर मैं वैसे देखू तो वैसे कितनी गाड़ियां जा रही थी बारह सौ गाड़ियां एंड फोर हैविंग लोड एटी बट फोर्टी इज नॉट स्टैंडर्ड सो वील हैव टू कन्वर्ट दी इंटू स्टैंडर्ड तो हाउ

How much repetition? 400. So, for a common, if I say, the, the, what is the average? 60 and what is the average? 600. So, as a whole, I can write 60 vehicle on the 600 repetition. Okay? I can write this. So, if 60 vehicle having 600 repetition, so what is asking? 80. So, for 80 will be what repetition? So, P1 N1 equal to P2 N2. P2 N2. So, 60 into 600 equal to 80 into N2. so what will be the n2? n2 will n2 will be 60 into 600 divided by 80. this will also come to be the 450. to so, kehne ka matlab तो कहने का मतलब matlab है कहने का मतलब bhi है कि इससे भी आंसर साढ़े repetition aa jayega आ जाएगा साढ़े right not always आ जाएगा hamesha correct right. nahi hoga not always राइट ये हमेशा करेक्ट नहीं होगा नॉट ऑलवेज तो मैकलियट जो है मैकलियट है यू डोंट यू यूज ऑलवेज नॉट ऑलवेज हमेशा मत लगाइएगा नॉट ऑलवेज हमेशा मत लगाइएगा तो सर कब लगाएंगे जब भी जब भी रैंडम कोई लोड देगा

रिपिटेशन टू बी कैलकुलेटेड इन द टर्म ऑफ स्टैंडर्ड लोड रिपीटेशन टू बी कैलकुलेटेड इन दर्म ऑफ स्टैंडर्ड लोड तब आपको क्या करना पड़ेगा ई एल एफ निकालना पड़ेगा तो मैकुलर में और जो इक्वल एंड एक्सल लोड फैक्टर है जो हमने पिछला तरीका था हमारा क्वेश्चन करने का ये दिस विल बी यूज तो जब भी स्टैंडर्ड लोड लिखेगा जब भी स्टैंडर्ड लोड लिखेगा हमेशा आपको यही तरीका यूज करना है यही तरीका यूज करना है क्योंकि हर जगह मैकुलड करेक्ट नहीं आएगा मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ फिर बाद में आप सोचेंगे कि सर ने बताया नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहा ठीक मैक्यट से हर जगह आंसर सेम नहीं आएगा जब कोई रैंडम लोड देगा तब वहीं पे मैकुलट लगाइएगा ठीक है लेकिन जब भी स्टैंडर्ड लोड देगा या या स्टैंडर्ड 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 देगा तो हमेशा लोड या में आपको यूज करना है यही वाला तरीका और ये तरीका क्या है कि कुछ नहीं है आपको इक्वर एंड लोड फैक्टर निकालना है कैसे निकालेंगे लोड बाय स्टैंडर्ड लोड पावर फोर और जब वो निकल गया तो नॉर्मल रिपीटिशन को जब ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड रिपिटेशन आ जाएगा जैसे नॉर्मल रिपिटेशन कितना था आठ

चलिए गलती होगा सो ठीक ठीक है बाकी इस क्वेश्चन को मैंने आपको मैकुलेट सेट भी करा दिया ये मैकुलेट से भी हो गया आंसर साढ़े चार सौ यहां से भी आ गया सो आई थिंक दिस इज द थिंग अब आपको एक और चीज बता दूं एक और चीज आपको बता ये अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा जहां आप लिख रहे हैं अब नाउ आई विल टेल यू वन थिंग एक और चीज आपसे पूछेगा बहुत इंपॉर्टेंट एंड वट इज दैट ठीक है वट इज दैट व्हीकल हैविंग वहीकल हैविंग वहीकल हैविंग ग्रॉस लोड व्हीकल आई ग्रॉस लोड ग्रॉस लोड हाउ मच ग्रेटर देन थ्री टन तीन टन से ज़्यादा लोड जिसमें है तीन टन से ज़्यादा जिसमें लोड है इज कॉल्ड कॉमर्शियल व्हीकल जी हाँ उसको हम कॉमर्शियल व्हीकल कहते हैं तो अगर आपसे पूछे कि विच विच वन इज कॉमर्शियल व्हीकल तो आप कहोगे कि वो व्हीकल्स जिनका लोड तीन टन से ज़्यादा है जिनका ग्रॉस लोड तीन टन से ज़्यादा है वो कॉमर्शियल व्हीकल ही कहलाते हैं एंड एंड फॉर पेवमेंट डिजाइन तो जब भी हम पेवमेंट डिजाइन करते हैं जब भी हम पेमेंट डिजाइन करते हैं वी वी काउंट ओनली कॉमर्शियल व्हीकल जी हाँ ओनली वी काउंट कॉमर्शियल व्हीकल वी काउंट ओनली कॉमर्शियल व्हीकल हमको बाकी व्हीकल्स काउंट नहीं करने बाकी व्हीकल्स मतलब जिनका वेट तीन टन से नीचे है उनको काउंट नहीं करना तो जिनका वेट तीन टन से नीचे है उनको काउंट नहीं करना लेकिन जिनका वेट तीन टन से ज़्यादा है दोज आर कॉल्ड एज कॉमर्शियल व्हीकल और पेवमेंट बनाते वक्त पेवमेंट बनाते वक्त आपको कॉमर्शियल व्हीकल ही काउंट करना है अब देखो कॉमर्शियल व्हीकल अगर काउंट करना है हमारे स्टूडेंट तो तीन टन भी कॉमर्शियल होगा छह टन भी कॉमर्शियल होगा आठ भी कॉमर्शियल होगा दस भी होगा और सोलह भी होगा हर तरीके के कॉमर्शियल होंगे अब देखो समझो ये सारे कॉमर्शियल व्हीकल हैं सारे अगर कॉमर्शियल वहीकल माय डियर स्टूडेंट तो सबका कुछ ना कुछ रिपीटिशन होगा ध्यान दो ये एक रैंडम एग्जांपल बता रहा हूँ समझने के लिए सबका कुछ ना कुछ रिपीटिशन होगा तीन वाला मान लो सौ बार जा रहा है ये मान लो पचास बार जा रहा है ये मान लो डेढ़ बार जा रहा है ये बीस बार जा रहा है और ये मान लो सत्तर बार जा रहा है तो सबका अगर अब अच्छा ना तो ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तो इसमें आठ टन ही होता है स्टैंडर्ड तो इसमें क्या होता है यही एट टन ही स्टैंडर्ड होता है बाकी तो स्टैंडर्ड होता नहीं है तो आपको सबको एट में कन्वर्ट कर लेना है तो क्या करिएगा थ्री बाय एट पावर फोर करिएगा सिक्स बाय एट पावर फोर कर दीजिएगा ठीक है एट बाई एट पावर फोर कर दीजिएगा ठीक है टेन बाय टेन पावर फोर कर दीजिएगा ठीक है और 16 बाई टेन की पावर फोर कर दीजिएगा और इनसे जो ई एल एफ आएगा इनसे जो ई एल एफ आएगा उसको इस रिप्यूटेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस रिप्यूटेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस रिपोर्टेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहां क्या जाएगा स्टैंडर्ड रिप्यन तो ये जो आंसर आएगा सम करके दिस विल बी द स्टैंडर्ड रिप्यूटेशन इन द टर्म ऑफ एट टन या एट किलो न्यूटन इज इट क्लियर सो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पीछे करा दिया तो यहां मैंने एक बार और आपको हिंट दे दी या मैंने एक बार आपको और हिंट दे दी यार ये ऐसे कैसे बता सकता हूं मैं प्रसाद ये क्वेश्चन इरेवेंट है मैक्सिमम लोड कैरिंग फॉर द फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल पेमेंट ये तो डिजाइन करता हूं ना मैं कभी भी ये तुम पता हूं क्या कर रहे हो तुम किसी चीज को बना के उसके लिए लोड डिजाइन कर रहे हो मैं कहूंगा नहीं मैं कहूंगा अगर इतना लोड आ रहा है तो मैं ये पेमेंट बनाऊंगा ठीक है पहली बात तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो हमेशा स्ट्रेन के बेसिस पर डिजाइन होते हैं स्ट्रेस के बेसिस पर नहीं होते हैं पहली चीज ठीक है मतलब डिफॉर्मेशन के बेसिस पर डिजाइन होते हैं कभी भी अगर आप सोचें कि सर जी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो स्ट्रेस पे बेसिस पर हो लोड बाय एरिया पे नहीं होता लोड बाय एरिया पे आपका रजिड पेमेंट डिज़ाइन होता है तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो डिफॉर्मेशन पे डिज़ाइन होता है जो डिफ्लेक्शन होता है उस पर डिज़ाइन होता है दूसरा चीज ये है कि हम देखते हैं कि हमारा जो व्हीकल है ये कितना डिफ्लेक्शन दे सकता है अगर उतना डिफ्लेक्शन हम परमिट कर सकते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में तो ओके है वरना हम ये ओके नहीं है या फिर ऐसी फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाओ कि इतना डिफ्लेक्शन आए समझ गए मेरी बात सो so बच्चे ये क्वेश्चन ये नहीं कह सकते हम ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल को कैसे हम मैक्सिमम लोड के लिए डिजाइन करें आपका जो क्वेश्चन है मैं ये नहीं कह सकता कि व्हाट इज द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्लेक्सिबल आई वुड से दैट दैट आई आई विल विल मॉडिफाई योर क्वेश्चन से कि हाउ डिजाइन हाउ टू डिजाइन द फ्लेक्सिबल पेमेंट फॉर मैक्सिमम लोड ऐसे करो क्वेश्चन को उल्टे पूछो तब ज्यादा उसका मतलब समझ पाओगे हाउ टू डिजाइन फ्लेक्सिबल पेमेंट for maximum load. So how to design flexible payment for maximum load? How will design? Always flexible payment is always designed on the basis of on the basis of strain. Okay? So for the maximum load, how many deformation, how many strain can come? यहाँ pata kar loge And is this the permissible strain or not? अगर है तो ठीक है. नहीं है तो क्या करो? Alter करके उतना strain permit करो. और अगर उतना strain permit कर दोगे तो फिर वो design हो जाएगा. तो लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेन आता है फ्लेक्सिबल में उस स्ट्रेन को परमिट करते हैं तो फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन करते हैं तो जब मैं आपको बर्मिस्टर मेथड बताऊंगा लास्ट मेथड फ्लेक्सिबल पेमेंट की तब उस मेथड में आप स्ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट देख पाएंगे ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो ये आप कर लेंगे सो अगला कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं तो पहला कॉन्सेप्ट आपका होगा इक्वेलेंट एक्सल लोड फैक्टर ई एल एफ नाउ द सेकंड सेकेंड इज द इक्लेंट और ये तो आज तक बच्चों को समझ आया ही नहीं कि सर जी इक्वल सिंगल व्हील लोड है क्या और क्वेश्चन तो पूछता ही रहा गेट में लगातार पूछता रहा ई एस डब्ल्यू एल लगातार पूछता रहा गेट में इस पर क्वेश्चन लगातार पूछता रहा और बच्चों को अभी भी दिक्कत है इसमें दिक्कत हमेशा रहती है और आज भी दिक्कत है ठीक है उनको समझ में ही नहीं आता है कि इक्वल सिंगल व्हील लोड है क्या हाउ इट इज फंक्शनिंग और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे है ठीक है देखो भैया आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा अगर आपका थोड़ा सा फोकस नहीं बढ़ा बढ़ेगा तो ठीक थोड़ा सा फोकस नहीं बढ़ेगा तो अभी भी समझ में नहीं आएगा देखो समझो मेरी बात को मेरी बात को समझो स्टैंडर्ड एक्सल जो मैंने बोला स्टैंडर्ड एक्सल में क्या है दोनों तरफ दो दो व्हील है ध्यान दो दोनों तरफ क्या है दो दो व्हील है दोनों तरफ दो दो व्हील है ओके अब माई डियर स्टूडेंट जो एक्सल पे लोड आ रहा है वो क्या कर रहे हैं व्हील्स कैरी कर रहे हैं जो एक्सल पे लोड आ रहा है वो व्हील लगा रहे हैं कहां लगा रहे हैं व्हील पेमेंट पे हैं तो पेमेंट पे लगा रहे हैं ठीक तो तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो एक्सल पे लोड आ रहा है जो एक्सल लोड पे लोड आ रहा है वो व्हील लगा रहे हैं किस पे आपके पेमेंट पे जो पेमेंट बनी है सड़क बनी है उस सड़क पे लोड लगा रहे हैं लेकिन आप ये कैसी कैटेगरी है डुअल व्हील असेंबली है ये दोनों तरफ दो दो व्हील है सो आई वुड से दिस इज द डुअल व्हील असेंबली ओके अब हाउ टू कैलकुलेट इक्वल सिंगल व्हील लोड तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम से समझना पड़ेगा तो अगर एक तरफ की मैं डुअल व्हील असेंबली बनाऊं एक तरफ की एक तरफ का बनाए ध्यान देना ध्यान देना नहीं तो हवा हो जाएगा समझ में नहीं आएगा एक तरफ की ये डुअल व्हील असेंबली बना दी एक तरफ की डुअल व्हील असेंबली बना दी और ये इधर गया एक्सल कहीं गया होगा उस तरफ हमको क्या करना है ये उधर गया और उधर मेरे सिस्टम के स्क्रीन के बाहर या आपके मोबाइल के बाहर एक उधर दो व्हील और होगा लेकिन हमको वो नहीं देखना हमको एक तरफ का डुअल व्हील देखना है अब अगर एक तरफ के डुअल व्हील पर इतना और इतना लोड आ रहा है इतना और इतना लोड आ रहा है पी और पी ठीक है तो पी और पी लोड आएगा माई डेयर स्टूडेंट तो तो जमीन में या पेवमेंट में जेड डेफ्थ बिलो अगर पेवमेंट में बात करते हैं जेड डेफ्थ बिलो क्या होगा कुछ स्ट्रेस आएगा जी हाँ कुछ स्ट्रेन आएगा कुछ डिफॉर्मेशन आएगा बिल्कुल आएगा जी हाँ मतलब ड्यू टू द स्ट्रेस फ्रॉम द लोड ऑन द डूअल व्हील असेंबली द जेड डेफ्थ बिलो ऑफ द पेवमेंट सरफेस देयर विल बी सम पैरामीटर देर विल बी सम पैरामीटर जस्ट लाइक एज अ स्ट्रेस स्ट्रेन डिफ्लेक्शन कुछ होगा ठीक है आपने कहा हां होगा तो आपने कहा कि सर जी मुझे उसी पेवमेंट में जी हाँ मुझे उसी पेवमेंट में ध्यान दो मार्क बाई वर्ड उसी पेवमेंट में उतने ही डेफ्थ नीचे उतने ही डेप्थ नीचे वही पैरामीटर चाहिए जी हाँ मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मिल तो रहा था मैंने कहा कि मुझे उसी पेवमेंट में उसी डेफ्थ नीचे मतलब उसी लोकेशन पर वही पैरामीटर चाहिए लेकिन ये जो लोड आप डुअल व्हील में लगा रहे हो ये मैं डुअल व्हील में लोड ना लगा के कैसे लगाऊंगा सिंगल व्हील में लगाऊंगा तो ये जो सिंगल व्हील का लोड मेरा क्या हो ध्यान दो मेरी बात को मतलब ये मेरे सिंगल व्हील में लोड कितना हो कि ये वही इफेक्ट कॉज करे उसी लोकेशन पे कॉज करे जितना डुअल व्हील में कुछ डुअल व्हील असेंबली लोड लगाने पर आ रही है तो दिस विल बी कॉल्ड एज एसडब्ल्यू एल लोड ई एल लोड तो दिस इज सिंगल व्हील लोड एंड इट इज इक्वल टू द डूल व्हील असेंबली this is the single wheel load but it is equal to the dual wheel assembly because this load is causing same parameter at the same location below the surface ठीक तो सरफेस के नीचे उसी लोकेशन पे वही पैरामीटर चाहिए आपको मतलब पैरामीटर मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन डिफ्लेक्शन तो डुअल व्हील को हटा के अगर मैं सिंगल व्हील लगाऊं तो कितना लोड लगेगा दैट इज कॉल्ड एज द इक्वलेंट सिंगल व्हील लोड अभी बताओ सबको समझ में आ गया या किसी को डाउट है सबको समझ में आ गया या किसी को डाउट है राजकुमार को समझ में आ गया बाकी बच्चे प्रसाद को भी समझ में आ गया अब लाइव रहोगे तो मैं पूछ पाऊंगा समझ में आ गया कि नहीं लाइव नहीं रहोगे बाद में रिकॉर्डेड देखोगे तो फिर आपस में ही समझ लेना मैं क्या ही बोलूँ ठीक है दो तीन बच्चों को समझ में आ गया इट मीन्स कि सबको समझ में आ जाएगा चलिए तो अब अब बच्चे ठीक है ये तो आपने समझाया कि सर ये होता है ये जो है आपका इक्वरेंट सिंगल व्हील लोड होता है हाउ टू कैलकुलेट दिस हाउ टू कैलकुलेट दिस तो कैलकुलेट करेंगे काफ़ी ट्रिकी है काफ़ी टफ है और काफी इंपॉर्टेंट भी है तो फोकस रखना है ठीक है तो चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ तो तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नोट्स बना रहे हैं जी हाँ लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव चल रहा है यूनिट नंबर फिफ्थ चल रहा है हमारे हाईवे इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर फिफ्थ चल रहा है पिछले चार यूनिट और बीस लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सक्सेसफुली सो उन लेक्चर्स में भी आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट है ना सो जिन बच्चों ने छोड़ छोड़ दिया है वो पीछे जाके देख सकते हैं सो इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज लोड ऑन सिंगल टायर इट लोड ऑन सिंगल टायर तो डेफिनेशन पढ़ के भी काफी चीजें क्लियर होंगी है ना लोड ऑन सिंगल टायर विच विल विच विल विच विल कॉज एन विच विल एन इक्लेंट मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर इससे भी समझ में आ जाएगा आपको इक्वलेंट मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर सच एज इक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर सच एज सच एज स्ट्रेस such as stress such as stress strain and deflection such as stress strain and deflection at the at the given location at the given location to that to that resulting from to that resulting from resulting from multiple wheel at same location to that resulting from multiple wheel एट द सेम लोकेशन जी हाँ मल्टीपल व्हील समझ रहे हो मतलब डूबल व्हील तो डूबल व्हील की वजह से उसी उस लोकेशन पे जो आ रहा है जो स्ट्रेस आ रहा है मतलब इन डवल व्हील की वजह से इस लोकेशन मतलब जेड जेड्थ बिलो जो स्ट्रेस आ रहा है तो मुझे उसी लोकेशन पे उतना ही स्ट्रेस चाहिए तो लेकिन मैं मल्टीपल व्हील को हटा के सिंगल व्हील लगा दूँ तो क्या होगा ठीक है अब देखो कुछ चीजों का आपको समझना है कुछ चीजों का आपको समझना है क्या समझना है कि ये मैं आपको यहां पे समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा वरना ऐसे तो समझ में आने से रहा अब मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो डेफिनेशन आपने समझ लिया तो समझो आपका मैक्सिमम काम तो आपका हो गया ठीक मैक्सिमम काम आपका तो हो गया लेकिन यहां पर समझने की कोशिश करो माई डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश करो क्या समझने की कोशिश करो कि यह रहा रोड का सर्फेस ये रहा रोड का सर्फेस और यहां मैं कह देता हूं जेड इक्वल टू जीरो रोड का सर्फेस अब माय डियर स्टूडेंट इस रोड के सरफेस पे अगर मैं बात करता हूं इस रोड के सरफेस पे बात करता हूं डुअल व्हील है सो डुअल व्हील लगेगा हमेशा डुअल व्हील ही लगेगा सो so ये रहा एक व्हील और ये रहा दूसरा व्हील ये रहा एक व्हील और ये रहा दूसरा व्हील है ना ओके माय डियर स्टूडेंट इस व्हील पे जो लोड लग रहा है इस व्हील पे जो लोड लग रहा है दैट इज योर पी लोड ऑन दिस व्हील एंड दैट इज द पी लोड ऑन व्हील पी और पी लोड लग रहा है दोनों व्हील पे अब एक बात बताओ कुछ ना कुछ गैप तो है इन दोनों व्हील्स के बीच में मतलब अगर मैं बात करता हूं क्लियर गैप क्लियर गैप कितना है डी है और अगर सेंटर टू सेंटर गैप की बात करूँ सेंटर टू सेंटर गैप की बात करूँ तो सेंटर टू सेंटर गैप कितना है एस है तो सेंटर टू सेंटर गैप कितना है एस है और जो क्लियर गैप है डी है जी हाँ तो अगर मैं मानता हूं कि इफ डी इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टायर जो आपको दिख रहा है क्लियर डिस्टेंस इसका यूज होगा बच्चों इसका यूज होगा बिटवीन टायर एंड डी इज द एंड एस इज द एस इज द सेंटर टू एंड एस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम ठीक है क्लियर हो गया अब अगर क्लियर हो गया तो भाई साहब क्या होगा डी इज द क्लियर डिस्टेंस बिल्कुल ये रहा डिस्टेंस दिस इज द डी आप देख पा रहे हैं ये यू कैन सी दिस इज द डिस्टेंस डी ओके एंड हेयर इज द डिस्टेंस एस ऑल्सो ओके एस इज देंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये रहा यहां से रहा एस यहां से बना है एस ठीक यहां से बना है आपका एस कॉन्सेप्ट ओके सो होगा क्या बच्चों अब जैसे ही तो ये इनका स्ट्रेस लगेगा तो भाई साहब अब उनके बीच में कुछ गैप तो है तो तो स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होगा एक ही जगह से लग नहीं रहा अलग अलग जगह से लग रहा है तो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या होगा अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ध्यान दो मेरी बात को मतलब जब ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है ये डुअल व्हील का कॉन्सेप्ट है ये ये यहां से स्टार्ट होगा यहां से स्टार्ट होगा कहां से स्टार्ट होगा यहां से स्टार्ट होगा क्यों क्योंकि इसके पहले इसके चाहे पहले, मैं डुअल व्हील पे अलग अलग मतलब डुअल व्हील असेंबली में ही अलग अलग लोड लगाऊं फंक्शन तो अलग अलग ही कर रहा है क्योंकि ओवरलैप नहीं हुआ है मतलब अगर जेड इक्वल टू डी बाई टू डी इज वॉट क्लियर डिस्टेंस क्लियर डिस्टेंस बाई टू मतलब जेड इक्वल टू डी बाई टू पर अगर ये ओवरलैप होता है टू बाई टू पर अगर ये ओवरलैप होता है तो इसका मतलब है कि जेडिकल टू डी बाई टू से पहले डुअल व्हील असेंबली का कोई मतलब ही नहीं है जेडिकल टू डी बाई टू से पहले डुअल व्हील असेंबली का कोई मतलब नहीं है मतलब अगर मैं अगर मैं अलग अलग व्हीकल को रख के उनप पी लोड लगाऊं ठीक है और सेम व्हीकल को रख के उनप भी पी लोड लगाऊं तो इन तीनों का अपना अलग अलग स्ट्रेस एरिया है इन तीनों का अपना अलग अलग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट मतलब है हां जब ये ओवरलैप हो गया तब जरूर डुअल व्हील का मतलब आया हां यहां ओवरलैप नहीं होगा तो अब ये वैल्यू कुछ कम हो जाएगी मानता हूं लेकिन जहां ओवरलैप नहीं हुआ माई डियर स्टूडेंट मतलब यहां तक जहां तक ओवरलैप नहीं हुआ तो चाहे दो व्हील रख के अलग अलग लोड लगाऊं चाहे सिंगल व्हील रख के लोड लगाऊं बात तो वो सिंगल व्हील जैसा ही कर रहा है बात तो सिंगल व्हील जैसा ही कर रहा है डुअल व्हील जैसा तो बात कर ही नहीं रहा है जी हां डुअल व्हील जैसा तो बात कर ही नहीं रहा है तो जब डुअल व्हील जैसा बात कर ही नहीं रहा है तो आपको एक चीज समझ में आ गई वो ये समझ में आ गई कि अप टू अपू डी बाई टू जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड है वो रहेगा पी ही रहेगा पी क्यों रहेगा क्योंकि अप टू डी बाई टू अपू डी बाई टू विल बी नो ओवरलैपिंग कोई भी नहीं होगी और जब कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी तो क्या होगा भले लगी है 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 लेकिन उनका हर एक हर एक एक वो सिंगल जैसा ही 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 कर रहा उसका उसका दूसरे दूसरे से से कोई मतलब ही नहीं है। उसका दूसरे से कोई मतलब मतलब नहीं है। तो हम कह देंगे कि अब उसके नीचे गए तो क्या हुआ ओवरलैपिंग स्टार्ट ओवरलैपिंग स्टार्ट ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई टू के अब जब बहुत नीचे आ गए मतलब टू एस पे आ गए मतलब S is the clear distance और clear distance के डबल, जब बहुत नीचे आ गए तो ये जो ये आप था ये इस लोकेशन पर लग रहा है ये इस लोकेशन पर लग रहा है ये पी और पी इस लोकेशन पर लग रहा है बहुत नीचे से देख रहे हैं मतलब बहुत नीचे मतलब यहां देख रहे हैं तो जब बहुत नीचे से हम देख रहे हैं और डुअल व्हील असेंबली में पी और पी कुछ गैप से लग रहे हैं तो क्या होता है हमको ये लगने लगता है बहुत ज्यादा ओवरलैप हो चुका है क्योंकि तो हमको ये लगने लगता है कि पी और पी अलग अलग नहीं अब ये पी और पी एक ही जगह से लग रहे हैं और ये टू पी लोड यहां से लग रहा है मतलब कहने का मतलब यह है कि जब बहुत लार्ज ओवरलैप हो जाता है बहुत नीचे जब लार्ज ओवरलैप हो जाता है बहुत नीचे तो नीचे से लगता है कि ये पी और पी लोड अलग अलग लोकेशन से नहीं ये पी और पी लोड एक ही लोकेशन से लोड लगा रहे हैं मतलब इनके बीच में थोड़ा सा गैप है इनके बीच में थोड़ा सा गैप है लेकिन इतना ज्यादा नीचे से आप नोटिस कर रहे हो और स्ट्रेस का एरिया इतना ज्यादा तुम्हारा ओवरलैप हो चुका है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों लोड एक ही जगह से लोड लगा रहे हैं तो जो पी और पी लोड गैप पे डिस्टेंस लगा रहे लोड लगा रहे थे अब वो एक ही जगह से लोड लगाते हुए प्रतीत होंगे बहुत नीचे तो ठीक है ऐसा क्यों होता है ड्यू टू लार्ज ओवरलैप तो आफ्टर टू एस अगर बात करोगे आफ्टर टू एस जो बात करोगे तो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या होगा 2p हो जाएगा और ऐसा क्यों होगा क्योंकि लार्ज ओवरलैप है क्योंकि कैसा है लार्ज ओवरलैप है ठीक है अप टू क्या होगा होगा इक्विवेलेंट सिंगल लोड कितना p ही रहेगा क्यों क्योंकि नो ओवरलैप ठीक है अब बात समझ में आ गई तो मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई भी ओवरलैप नहीं होता है तो डुअल व्हील के हर व्हील सिंगल व्हील जैसा बिहेव करती है ध्यान दो मेरी बात मेरी वर्ड को सुनोगे काम हो जाएगा आपका मैंने कहा जब कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है जब कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो डुअल व्हील की हर एक व्हील तो डुअल व्हील की हर एक व्हील कैसा काम करती है सिंगल व्हील जैसा ही काम करती है तो ई एल पी ही रहता है डी बाई टू तक लेकिन जब बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाता है और बहुत नीचे कहां पे जेडिकल टू टू एस पे जब बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाता है और हम जेड इकोल टू टू एस से देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लोड अलग, अलग अलग लोकेशन से नहीं एक ही लोकेशन से आ रहे हैं तो हम कह देते हैं कि हाँ भैया टू पी लोड एक ही लोकेशन से आ रहा है तो ई एस डब्ल्यू एल हमारा क्या हो जाता है टू पी हो जाता है तो कहने का मतलब है कि ये जो डी का कॉन्सेप्ट है ये जो ई एस डब्ल्यू एल का कॉन्सेप्ट है ये जो ई एस डब्ल्यू एल का कॉन्सेप्ट है जेड का ESWL में जो Z होगा ना वो कहां से कहां के बीच में रहेगा इट विल बी इन बिटवीन अगर Z की बात करूं तो ये D बाई टू से स्टार्ट होगा जहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है और 2S में आएगा जहां पे लार्ज ओवरलैपिंग है क्योंकि D D के पहले वो P रहेगा बिफोर अप टू कितना रहेगा वो P रहेगा और आफ्टर D बाई टू वो क्या हो जाएगा टू पी हो जाएगा हाँ इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आप कमेंट करके बताओ तब तक मैं वाटर बॉटल ले, ले लेता हूँ हाँ कमेंट भी फास्ट एंड टेल मी इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं आपको है ना टेल मी टेल मी बच्चों और अगर और अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो फिर मैं इस पर आगे बढ़ता हूँ कुछ न्योमेरिकल कराता हूं और कौन से यस राजकुमार को समझ में आ गई है बाकी बच्चों को कनिका को भी समझ में आ गई है बाकी बच्चों को आपको ध्यान के रखना है जी हाँ तो फिर सबको समझ में आ जाएगा तो आपको ध्यान ये रखना है ध्यान ही रखना है क्या ध्यान रखना है कि डी बाई टू तक कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो ई एस डब्ल्यू एल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है और टू एस के बाद इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग है यूएस के बाद इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग है कि ऐसा लगता है सेम लोकेशन से आ रहा है लोड ओके वेरी गुड अब अगर यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कैसे निकले ये पी डैश जो था मतलब इन बिटवीन इन बिटवीन मतलब इस रेंज में बच्चों इस रेंज में इन दिस रेंज अगर मैं बात करता हूं इन दिस रेंज तो इस रेंज में कुछ ना कुछ तो होगा ई इस रेंज में इस रेंज में कुछ ना कुछ तो होगा जहां पे मॉडरेट ओवरलैपिंग है तो कैसे मिले तो उसके लिए आपका एक चार्ट एक ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ में आपको पढ़ना है उसके लिए आपके पास एक ग्राफ दिया है चलिए एंड लेट मी गो थ्रू दैट ग्राफ और उस ग्राफ को मैं आपको समझाता हूं क्लियरली ठीक है चलिए ग्राफ क्या बनेगा बच्चा लोड और डिस्टेंस है लोड को क्या लेना है लॉग में लेना है तो लॉग बेस टेन पी ले लेना है यहाँ पे और जो डिस्टेंस है इसको भी लॉग में ले लेना है तो लॉग बेस्ट जेड ले लेना है ओके ले लिया अब देखो ग्राफ आप बनाएंगे ये कॉन्सेप्ट कहां तक है ये कहां तक है ये सिर्फ कहां तक है डी बाई टू तक है तो लॉग बेस टेन डी बाई टू ओके और आगे ज्यादा से ज्यादा कहां तक है टू एस तक है तो लॉग बेस टेन टू एस ओके अब जब लॉग बेस टैंड टू एस है तो इसके बाद इसके पहले यहां पे कितना है ई एस डब्ल्यू एल अगर पीड एस की बात करूं तो ये जो लॉग बेस टेन है दैट इज टू पी हेयर टू पी हेयर और जो जेड पर डी बाई टू पे मिल रहा है दैट इज द लॉग बेस टेन पी हियर ओके तो अब आपको क्या चाहिए इन बिटवीन टू बाई टू एस टू डी बाई टू इन बिटवीन चाहिए तो इन बिटवीन चाहिए कहां पे किसी जेड पे चाहिए तो अगर इन बिटवीन आपको किसी जेड पे चाहिए तो करना क्या है आपको यहां पे मिल जाएगा लॉग बेस टेन लॉग बेस्ट एन पी डैश ये आपको मिल जाएगा अब आपको क्या मिल रहा है अब आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है ध्यान दो अब आपको क्या मिल रहा है एक ट्रायंगल मिल रहा है तो बड़े वाले ट्रायंगल को छोटे वाले बड़े इस छोटे वाले ट्रायंगल का स्लोप मतलब d/2 से z का स्लोप और d/2 से लेकर 2s का स्लोप बराबर कर दें स्लोप बराबर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा सो आई कैन से दैट कि log base 10 2p minus log base 10 p divided by log base 10 2s minus log base 10 d/2 जी हां मतलब मैंने ये निकाला ये निकाला और ये निकाला जी हाँ दिस वन दिस वन स्लोप आया अब इक्वल टू दिस वन कर दू हैिगर सर्कल इज इक्वल इक्वल टू दिस वन कर दू स्मॉलर वन कर दू सो so, कर दू एक तो तो कहां से पी डैश से चालू हो रहा है तो लॉक बेस टेन पी डैश माइनस लॉक बेस टेन पी डिवाइडेड बाई पी डैश पे कितना है लॉक बेस टेन जेड माइनस लॉक बेस टेन डी बाई टू ठीक है जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो वट यू विल गेट हीयर वट यू विल गेट हीयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वॉट जेड पता रहेगा जेड पता रहेगा आपको पी डैश मिल जाएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी डैश ईयर आपको पी डैश की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां पे मिल जाएगी आपको पी डैश की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां पे मिल जाएगी और आपका काम हो जाएगा क्लियर है कॉन्सेप्ट क्लियर कॉन्सेप्ट अरे भाई साहब ये ट्रैंगल बन रहा था ध्यान दो चलो ये ट्राइंगल बन रहा था यहां पे क्या है बच्चों टू पी है यहाँ पे क्या है पी है और यहाँ पे क्या है टू एस है और यहाँ पे क्या है डी बाई टू है तो इस बड़े वाले ट्रैंगल का स्लोप बड़े वाले ट्रेंगल का स्लोप इक्वल टू छोटे वाले ट्रैंगल का स्लोप छोटे वाले ट्रैंगल में यहाँ जेड है और यहाँ क्या है पी डैश है तो छोटे वाले ट्रैगल का स्लोप इक्वल टू तो बड़े वाले ट्रेंगल का स्लोप तो बड़े वाले स्लोपल का स्लोप इक्वल टू तो दिस डिवाइडेड बाय दिस ओके वेरी गुड और जो छोटे वाले ट्रेंगल का जो स्लोप है दैट इज दिस दिस डिवाइडेड बाय क्लियर है कॉन्सेप्ट हो गया काम हमारा है ना चलिए एक न्यूमेरिकल कराता हूं और आपको क्लियर कॉन्सेप्ट कराता हूं और इसका सो so दैट आप आगे बेहतर समझ पाए है ना सो दैट इज द थिंग और यहां मैं आपको एक आगे न्यूमेरिकल देता हूं एंड देन आई विल आस्क यू है ना ओके okay, ओके okay, एक नोमेरिकल दूंगा तभी आप समझ पाएंगे सो व्हाट इज द नोमरिकल कैलकुलेट अच्छा बच्चों, इसी में बहुत सारी चीजें आपको सिखा दूंगा आपका काम ही हो जाएगा चलिए नोमेरिकल मैं करा रहा हूं ओके कैलकुलेट ई एस डब्ल्यू एल ऑफ अ ऑफ अ डूल व्हील असेंबली अच्छा डुअल व्हील असेंबली है एंड दिस डूल व्हील असेंबली है ना कैरिंग कैरिंग टू जीरो फाइव जीरो के जी लोड ऑन ईच टायर जी हाँ बीस पचास के जी लोड ऑन ईच टायर हर टायर पर कितना लोड कैरी कर रही हैं बीस पचास के जी मतलब पी कितना है बीस पचास के जी है ओके वेरी गुड ठीक है फॉर अ फॉर अ पेवमेंट थिकनेस फॉर अ पेमेंट थिकनेस इक्वल टू पंद्रह सेंटीमीटर है ना फॉर पेमेंट थिकनेस इक्वल टू पंद्रह सेंटीमीटर इफ इफ सेंटर टू सेंटर फ सेंटर टू सेंटर हाँ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन टायर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन टायर इज बारह सेंटीमीटर एंड सॉरी तीस है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन टायर तीस है अब मैं आपको समझाता हूँ बस दो मिनट रुक जाओ इज थर्टी सेंटीमीटर एंड एंड क्लियर डिस्टेंस क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टायर टायर इज बारह सेंटीमीटर तो आपको क्या निकालना है ESWL निकालना है, है? है? है है, अब अब देखो, देखो कितना कितना दिया 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 आपको मजेदार बात, जो मतलब दैट इज डी ठीक है डी कितना है आपका डी कितना है आपका नहीं नहीं क्लियर डिस्टेंस है D. D है बारह तो डी बाई टू कितना होगा ओके और जो सेंटर सेंटर स्पेसिंग है दैट इज थर्टी तो जो 2s कितना हो जाएगा दैट इज द 60 अब आपको z किसके बीच में होना चाहिए z होना चाहिए d वाई टू से 2s के बीच में मतलब जो z होना चाहिए वो 6 से लेके कित के कितके? 60 के बीच में होना चाहिए अब भैया 6 से 60 के बीच में है क्योंकि z कितना है 15 है z कितना है 15 है करेक्ट है अब देखो आपको मैं वही ट्रैंगल बनाता हूँ आपका काम हो जाएगा लॉक भले लगा लेंगे देखो बच्चों ये बन गया ये बन गया अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात आप आपका भी ट्रैंगल बनाते हो काम आपको हो जाएगा अगर मैं टू एस पे आऊँ टू एस पे हूँ माई डियर स्टूडेंट मतलब कितना हूँ सिक्सटी पर आऊँ तो मुझे मिलता है कितना टू पी तो बीस पचास पी है तो भी मुझे मुझे आएगा इकतालीस सौ है ना और अगर मैं डी बाई टू पर आऊँ डी बाई टू पर आऊँ मतलब सिक्स पर आऊँ तो मुझे मिलता है कितना बीस पचास तो ये कह रहा है कि भाई साहब आप यहाँ पर आ जाइए पंद्रह पर और मुझे बता दीजिए वॉट इज द पी डैश आप पंद्रह पर आ जाइए और मुझे बता दीजिए पी डैश यही पूछा है लॉग लगा लीजिएगा लॉग लगा लीजिएगा मैं तो रैंडम बता रहा हूँ तो लॉग लगाना है तो करना क्या है तो यही करना है कि लॉग बेस टेन टू पी माइनस लॉग बेस टेन पी डिवाइडेड बाई लॉग बेस टेन टू एस माइनस लॉग बेस टेन डिवाई टू इक्वल टू लॉग बेस टेन अब इस छोटे वाला ट्रैंगल ले रहे हैं तो पंद्रह और छह वाले ले रहे हैं ठीक है तो पंद्रह और छह लॉग बेस टैन पी डैश माइनस लॉग बेस टेन पी डिवाइडेड बाई लॉग बेस टैन पी डैश कितने पी डैश कितने पर है पी डैश पंद्रह पर है तो पी लॉग बेस टैन पंद्रह माइनस लॉग बेस टेन पंद्रह माइनस लॉक बेस टेन छः ठीक है अब देखो करना क्या है आपको यह या, या फिर मैं यहाँ पे जेड और जेड और डी बाई टू लिखूंगा ज्यादा बेहतर होगा डी बाई टू लिखूंगा यहां पे जेड लिखूंगा ठीक है तो अगर मैं न्यूमेरिकली देखूँ न्यूमेरिकली देखूँ तो बट आई विल डू दैट कि लॉक बेस टेन सिक्सटी माइनस लॉक बेस टेन सिक्स है ना और यहाँ जो रहा लॉक बेस टेन इकतालीस सौ माइनस लॉक बेस टेन आ, बीस पचास ठीक है इक्वल टू लॉग बेस टेन पी डैश माइनस लॉग बेस टेन बीस पचास डिवाइडेड बाय लॉग बेस टेन पंद्रह माइनस लॉग बेस टेन छः अब देखो लॉग सिक्सटी माइनस सिक्स कितना हुआ सिक्सटी बाय सिक्स हो गया और सिक्सटी बाय सिक्स लॉग बेस टेन और टेन टेन तो वन हो गया नीचे भाई log बेस टैंड सिक्सटी माइनस सिक्सटी तो लॉक हो गया 60 6. लोग 60 6 कितना? और लॉक टेन में बेस्ट है तो कितना हो गया वन तो दिस हाँ बिन वन यहाँ नीचे आ गया वन अब लॉग फोर्टी वन हंड्रेड माइनस लॉग बीस पचास तो लॉग कितना फोर्टी वन हंड्रेड डिवाइडेड बाई बी पचास अब फोर्टी वन हंड्रेड बाई बी पचास कितना हो गया दो तो क्योंकि जस्ट डबल होता है तो लॉग बेस 10 का टू तो ये हो जाए log बेस 10 का टू तो लॉक बेस स्टैंड का टू तो यहाँ तो देखो ये वाला तो ऐसे ही सॉल्व हो गया लॉक बेस्ट का टू अब इक्वल टू तो यहाँ लॉग है। अब पी डैश पी डैश डिवाइडेड बाई बीस पचास कर लो पी डैश डिवाइडेड बाई बीस पचास कर लो और यहां पे ले लो लॉग बेस टेन पंद्रह बाई छ तो पंद्रह बाई छः का लॉग लो लॉक टू से मल्टीप्लाई करो पंद्रह बाई छः का लॉग लो लॉक टू से मल्टीप्लाई करो और लॉग उसके बाद जो आए उसका एंटी लॉग ले लो तो पी डैश बाई दो सौ बीस पचास का वैल्यू आ जाएगा ठीक तो चलो तो इससे इससे जो आएगा आपका तो जो मैं मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं इसको लॉक टू को और लॉग फिफ्टीन बाई सिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आ जाएगा वन पॉइंट थ्री वन एट इक्वल टू हाँ वन दिस वन नहीं एंटी लॉग लेने के बाद आया है दैट इज द पी डैश बाई टू बीस पचास तो जो मेरा पी डैश हुआ वो हुआ सत्ताईस सौ दो पॉइंट चार के जी ठीक है यार अब तो सॉल्व तो कर ही लोगे यहाँ तक तो मैंने कर ही दिया जब ये मैंने बना दिया ये मैंने बना दिया क्या करना है आपको सॉल्व करना है कैसे करना है लॉग बेस्ट एंड टू की वैल्यू लीजिए मैं कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं हूँ वरना मैं कर देता ठीक की वैल्यू लीजिए से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका एंटी लॉग ले लीजिए काम हो जाएगा अरे भैया समझ में आया है कि हवा में चला गया और नहीं समझ में आया है तो भी दिक्कत है अरे एजुकेशन हब, कहां थे भाई तुम? ओके सॉल्व कर लोगे गेट में आता है क्वेश्चन गेट में आता है जी हाँ गेट में आता है हवा खराब हो जाएगी गेट में देख लोगे फिर तो तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ई एस डब्ल्यू एल का बेसिक कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से अब आप समझ गए बच्चों क्वेश्चन में दिया है ये क्या बोल रहा है किसी लोकेशन पे निकालो फॉर थिकनेस इक्वल टू पंद्रह थिकनेस इक्वल टू पंद्रह इस पंद्रह थिकनेस के लिए निकालना है कैलकुलेट ई एस डब्ल्यू एल तो जिसके लिए निकालना है तो वही तो जेड होता है

ठीक है शेयर वगैरह भी करो अब तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह सब बहुत ज्ञानी है क्या आते वाते नहीं है जो बच्चे आते हैं क्लास में आज आए कल नहीं आए इसलिए मन नहीं करता यूट्यूब पे पढ़ाने का मन करता है फिर प्लस का ही कोर्स लो लिटरली प्लस में आप देखेंगे ना इतना इतने अच्छे से बच्चे बैठते हैं क्यों क्योंकि वो बच्चे पैसा दिए हुए होते हैं ठीक है उनको पता होता है करियर का महत्व वो टीचर को भी पता होता है इधर क्या होता है कि इधर क्लास में आया बैठे चले गए मास्टर ही तो है आएगा नाचेगा नाच के चला जाएगा हम आराम से बैठ के देख लेंगे तमाशा ऐसा नहीं होना चाहिए आपको टीचर के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए नहीं समझ में आया पूछना चाहिए समझ में आया वो अगर पूछे तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए बताना चाहिए यही होता है लर्निंग का तरीका बैक टू बैक पेपर चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के अभी कोई बात नहीं कोई बात नहीं बच्चों ठीक है आई नो दैट कुछ आप में से कुछ हैं जो काफी रेगुलर रहते हैं आ, पेपर फिनिश हो जाएंगे कोई ना चलिए सो दिस इज द थिंग हा भाई क्लियर है कॉन्सेप्ट इतना अरे भाई आगे बढ़ जाऊं

ठीक ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं गेट में जी हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं गेट में ये पंद्रह भूल जाओ ठीक अब आपको सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है मतलब p कांस्टेंट है ठीक है d कांस्टेंट है s कांस्टेंट है अब ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट ई एस डब्ल्यू एल कैलकुलेट ई एस डब्ल्यू एल ठीक है ई एस डब्ल्यू एल फॉर फॉर पेवमेंट थिकनेस नहीं नहीं होमवर्क नहीं है अभी बताना है कॉमेंट करना है अरे दो मिनट लगेगा पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा फॉर पेवमेंट थिकनेस पांच सेंटीमीटर पहला पेमेंट थिकनेस पांच सेंटीमीटर एंड पेमेंट थिकनेस सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर तो पांच सेंटीमीटर के लिए क्या होगा? थे। थे। मतलब जेट की वैल्यू यहां थी अब ये पंद्रह ना होकर क्या हो गई है एक बार जेट की वैल्यू क्या हो गई है पांच हो गई है एक बार जेट की वैल्यू पांच हो गई है और एक बार जो जेट की वैल्यू है वो हो गई है हाँ वो हो गई है सिक्सटी फाइव हो गई है ठीक तो पांच होगा तो क्या होगा और सिक्सटी फाइव होगा तो क्या होगा ई एसडब्ल्यू एल बताना पड़ेगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा हूं इसमें भी आपको मजा आ जाएगा ठीक है देखो पी जो है वो बीस पचास है बीस पचास है तो जो टू पी होता है वो इकतालीस सौ होता है ठीक है तो जो डी बाई टू है वो कितना है आपका छः है और जो टू एस है वो है सिक्सटी है क्यों क्योंकि एस दिया हुआ था थर्टी तो टू है सिक्सटी और क्योंकि डी दिया हुआ था बारह तो डी बाई टू हो गया छः अब पूछ रहा है एट जेड इक्वल टू फाइव पी डैश की वैल्यू है ना अरे करने मत बैठ जाना यार करने मत बैठ जाना एट जेड इकल टू फाइव देखो पीछे क्या बोला हूं अप टू डी बाई टू अपू डी बाई टू ईसडबी अपू डी बाई टू मतलब छ के पहले तक छ के पहले तक अप अपू डी बाई टू अपू सिक्स दिस पीडस विल बी टू टू जीरो फाइव जीरो ओनली जी हाँ कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है

अभी समझ में आया अरे अभी भी समझ में आया कि नहीं तो इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है समझ गए और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है इसीलिए मैंने इस पर फोकस किया तो ध्यान जरूर रखिएगा जेड हमारा जो पंद्रह था उसको हमने कैलकुलेट किया लेकिन उसको कैलकुलेट करने के पीछे का पर्पज था उसको कैलकुलेट करने के पीछे का पर्पज था क्यों क्योंकि क्योंकि हाँ क्योंकि वो जेड है हमको देखना है कि आपको सबसे पहले तो यही देखना है ना कि और 2S के बीच में है नहीं क्योंकि जब 2, 2S के बीच में होगा तभी कैलकुलेट करना है क्योंकि अगर डी बाई टू पी आंसर टू एस के बाद होगा तो आंसर खत्म अब आपको एक और चीज बता देता हूं जो एक डेफिनेशन और पूछती है अगला फैक्टर रिजिडिटी फैक्टर उसके बाद में आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ठीक है चलिए सो व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर नेक्स्ट फैक्टर हियर नेक्स्ट फैक्टर इज़ द फैक्टर आज की क्लास जिस भी बच्चे ने मिस कर दी ना उसका गेट में दो नंबर मिस हो गया मैंने मैंने ये जब मैंने, जब मैं जाएगा अब तुम जो रिजिडिटी फैक्टर के बाद एक और टॉपिक है ट्रैफिक फोरकास्ट वो पढ़ा दूंगा और तुम देख लेना पेमेंट डिजाइन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है क्वेश्चन आता है मतलब लोड रिपीटिशन के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं e -E के क्वेश्चन आते हैं ई एस डब्ल्यू एल के क्वेश्चन आते हैं ट्रैफिक फोरकास्ट के क्वेश्चन आते हैं उनके क्वेश्चन आते हैं आप ये सोचेंगे कि थिकनेस निकालो बिटुमिन पेमेंट की और थिकनेस निकालो कॉन्क्रीट पेमेंट की तो ये नहीं आता है गेट में मैं इसीलिए कह दिया था कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन रहना है गेट में हर साल तो वो रहेगा भाई साहब और आप देख लेना तो ये छोटा सा डेफिनेशन है इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच जाएंगे ठीक लास्ट टॉपिक पे पहुंच जाएंगे चलिए तो क्या होता है रिजिडिटी रिजिडिटी फैक्टर फैक्टर क्या होता है कॉन्टेक्ट प्रेशर डिवाइडेड बाई टायर प्रेशर ये आप याद रखिएगा ये ये आप याद रखिएगा आपको हेल्प करेगा ठीक है कॉन्टेक्ट प्रेशर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं कॉन्टेक्ट प्रेशर बाय टायर प्रेशर तो कॉन्टेक्ट प्रेशर होता है वो होता है लोड ऑन टायर अगर मैं बताना आपको अगर मैं बताना चाहूँ ठीक है तो क्या होगा लोड ऑन टायर लोड ऑन टायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इंप्रिंट कितना एरिया है तभी तो प्रेशर आएगा तो कितने एरिया में इम्प्रिंट आ रहा है टायर का या कितने एरिया में प्रेशर लग रहा है टायर का दैट इज द कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ द टायर ओके और जो और जो टायर प्रेशर होता है टायर प्रेशर होता है वो उसके अंदर का इन्फ्लेशन होता है उसके अंदर का इन्फ्लेशन होता है मतलब यार हवा भरते हो तो हवा भरते हो टायर में तो जब टायर में तुम हवा भरते हो तो तुम क्या देखते हो उसके पास एक गेज होता है किसके पास जो हवा भरता है आप कहते हो ना यार एक काम करिए थर्टी टू कर दो हवा या फिर आप चालीस कर दो या फिर थर्टी एट कर दो आप कहते हो तो वो थर्टी एट या थर्टी टू या चालीस क्या होता है वो प्रेशर ही होता है तो टायर के अंदर के जो हवा का प्रेशर है दैट इज द टायर प्रेशर दैट इज द टायर टायर प्रेशर प्रेशर तो तो है टायर के अंदर जो हवा है वो टायर की वॉल पे जो प्रेशर लगा रही दैट इज द टायर प्रेशर दैट इज द टायर प्रेशर और जो आपका जो टायर है वो वो कॉन्टेक्ट के पे जो प्रेशर लगा रहा है दैट इज द कॉन्टेक्ट प्रेशर ठीक सो जो टायर का लोड और एरिया ऑफ द इम जो आ रहा है दैट इज द कॉन्टेक्ट प्रेशर और उसके अंदर जो इन्फ्लेशन उसके अंदर जो हवा है और वो हवा जो टायर के वॉल पे प्रेशर लगा रही है तो वो हो जाएगा क्या आपका टायर प्रेशर ठीक है तो जो आप जो पहले वो हवा भरने के बाद जो उसके पास एक गेज होता है उस गेज से जो मेजर करता है तो मेजर वो अंदर का प्रेशर ही मेजर कर रहा होता है कि कहीं प्रेशर बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा कि कहते ना अरे ज्यादा मत भरो भैया नहीं तो टायर फट जाएगा तो टायर फट क्यों जाएगा जब बहुत ज्यादा प्रेशर भर दोगे अंदर हवा में तो फट नहीं जाएगा सो दैट इज द थिंग तो ये होता है रिजिडिटी फैक्टर जो आपको पूछेगा ठीक है ठीक है अब हम बात करते हैं अगला वेरी इंपॉर्टेंट जी हाँ आज के सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द ट्रैफिक फोरकास्ट दैट इज द ट्रैफिक फोरकास्ट जी हा ट्रैफिक फोरकास्ट ट्रैफिक फोरकास्ट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओके और ये हम आई आर सी थर्टी सेवन के बेसिस पे करेंगे ठीक है और इससे गेट में क्वेश्चन रैंडमली आया है और मुझे लगता है कि पांच छह क्वेश्चन तो मुझे ही दिख गए गेट में इससे रिलेटेड मुझे खुद को ठीक है कई कोई एजुकेटर इसको मॉडिफाइड सीबीआर भी कहता है मॉडिफाइड सीबीआर भी कहता है तो मॉडिफाइड सीबीआर मैं नहीं कहूंगा इसको क्योंकि जी हाँ एक बात तो सही है कि इससे सीबीआर मेथड में हेल्प मिलती है क्योंकि इससे जो फोरकास्ट हो जाता है जब तो रिपीटेशन मिल जाती है और रिपीटेशन के बेसिस पर थिकनेस मिल जाती है तो मॉडिफाइड सीबीआर भी कहीं कहीं आपको मिलेगा तो वो भी गलत नहीं है पूरी तरह से लेकिन हम जो इसको पढ़ेंगे वो ट्रैफिक फोरकास्ट से पढ़ेंगे अब देखो माई डेयर स्टूडेंट ये बहुत ईजी और बहुत घटिया टॉपिक घटिया तो नहीं कहूँगा मतलब जितना ज़्यादा इसका नाम है और जितना इससे क्वेश्चन आता है जितना इसका हवा बना रखा है उतना टफ है नहीं जैसे अभी आपने इक्वलेंट सिंगल व्हील लोड पढ़ा था मेरे को समझाने में सिर दर्द हो जाता है बच्चों को समझ नहीं आता मैं बार बार सिर पटकते रहता हूँ इसको समझाने में ये वाला जो कॉन्सेप्ट था समझाने में लेकिन ये आपने एक बार में समझ लिया ठीक है तो लेकिन इससे उतने क्वेश्चन आते नहीं आते हैं गेट में इस क्वेश्चन इससे भी हैं लेकिन उतने कम क्वेश्चन हैं लेकिन ये जो टॉपिक है इसका बहुत हुआ है और इससे गेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं ठीक सो so, लास्ट टॉपिक है इवनिंग का घबराने की जरूरत नहीं है थोड़ा पेशेंस रखो दस मिनट लगेगा थ्योरी समझाने में पाँच मिनट लगेगा न्यूमेरिकल कराने में पाँच मिनट मतलब टोटल मान लो बीस मिनट भी लगेगा और उसके बाद में क्लास को हाँ ई ए सी कन्वेंसन में तो भर भर के आता है जी हाँ हर जगह आता है कहाँ नहीं आता ये राजकुमार ये टॉपिक हर जगह आता है ये और ये जो पूरे टॉपिक मैंने पढ़ाया ना आपको ये हर जगह इंपॉर्टेंट है मैं आपको मैं जब मैं कोई चीज थंबनेल में कहता हूँ कोई थंबनेल कह रहा हूँ या फिर मैं आपको जब मैं ग्रुप में कोई चीज़ बोलता हूँ तो आप लोग उसको सीरियसली लिया करो जिसको मैं कह दूं कि इंपॉर्टेंट है सेशन मिस मत करिए तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है उसकी पढ़ना है तो उसको मत मिस किया करिए क्योंकि वो वो दिक्कत करेगा और मुझे पता है कि बच्चों को ई एसडब्ल्यू एल का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको ई एल एफ बताया अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा कॉमर्शियल व्हीकल है कैसे स्टैंडर्ड को कैसे नॉर्मल को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें और कैसे स्टैंडर्ड को रिपिटिशन में कन्वर्ट करें और कैसे रिपिटेशन का ओवरऑल सॉल्व करें बच्चों को पता ही नहीं है तो मैंने एक क्वेश्चन जो कराया पीछे जो जिसका साढ़े चार सौ आंसर आया उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सो दैट इज अ थिंग फिर वन आर भी रुकेंगे नहीं वन आर का नहीं बचा है हार्डली बीस मिनट का बचा प्रसाद लेकिन इंपॉर्टेंट है ये ठीक है। चलो, करते हैं। IRC, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट फॉर द डिजाइन ऑफ जी हाँ इसका फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज होता है डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट 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 नंबर ऑफ नंबर ऑफ

लेट इट बी हियर मैं आपको बताऊंगा मैंने इस मेरे कहने का मतलब यह है कि आप क्या काउंट करते हो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड काउंट करते हो क्या काउंट करते हो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड ना कि व्हीकल लेकिन यह थोड़ा सा गलत है हम काउंट तो कॉमर्शियल ही करते हैं लेकिन कॉमर्शियल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें स्टैंडर्ड में और कॉमर्शियल को स्टैंडर्ड में कौन कन्वर्ट करता है इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर तो काउंट तो हम कॉमर्शियल करते हैं लेकिन कन्वर्ट उसको किसमें कर देंगे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो दिस इज द तो यहां पे बात करते हैं तो नंबर ऑफ

मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई साहब पूरी डिजाइन लाइफ में बस यही पढ़ लो पूरी डिजाइन लाइफ में मतलब ये जो पेमेंट है जितने भी साल सर्विस देगा दस साल बारह साल पंद्रह साल आठ साल जितने भी साल सर्विस देगा इतने नंबर ऑफ कौन से व्हीकल जाएंगे स्टैंडर्ड एक्सल जाएंगे इतने व्हीकल ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल जाएंगे मतलब दो मिलियन पाँच मिलियन बीस मिलियन पचास मिलियन सौ मिलियन जितने भी मिलियन व्हीकल जाने हैं मतलब एक करोड़ दो करोड़ दस करोड़ दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख मतलब पूरे दस साल में जितनी बार वहां से गाड़ी जाएगी उनका क्यूमुलेटिव समेशन करके बता दिया एंड दिस इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल ड्यूरिंग डिजाइन लाइफ मतलब 10 सालों में इतनी गाड़ियां जाएंगी या 15 सालों में इतनी गाड़ियां जाएंगी या 20 सालों में इतनी या मतलब जितना भी उसका डिजाइन लाइफ है उतने सालों में जितनी गाड़ी जाएगी ये हम पढ़ते हैं इससे मतलब हम यहां जो काउंट कर रहे हैं ये पूरी डिजाइन लाइफ में कितने व्हीकल जा रहे हैं उसको काउंट कर रहे हैं दैट्स इट अगर सिंपल तरीके समझो तो पूरी की पूरी डिजाइन लाइफ में कितने व्हीकल जा रहे हैं उसको काउंट करेंगे लेकिन अस्सी है? है। है? है। तो हाँ, तो किलोमीटर को हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आगे चीजें बताऊंगी ए क्या है तो एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आ जाएगा तो इज द इनिशियल इनिशियल डिजाइन ट्रैफिक ए इज द इनिशियल डिजाइन ट्रैफिक इन वहीकल पर डे वहीकल पर डे इन द ईयर ऑफ इन द ईयर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द ईयर ऑफ कम्प्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ये समझना जरूरी है क्योंकि कभी कभी ए पर आता है कभी कभी पी पर आता है क्वेश्चन तो समझाता हूँ मैं कैसे जस्ट वेट अ सेकेंड इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्शन और जो ए होता है उसका फॉर्मूला होता है पी वन प्लस आर रेशर एक्स अब रुक जाओ समझो का भी फॉर्मूला होता है पी वन प्लस एक्स तो यहां से जो अभी आर जो है एक्स है एक्स है कंस्ट्रक्शन पीरियड इन ईयर दो मिनट रुक जाओ सारा सारा मैटर क्लियर हो जाने वाला है कंस्ट्रक्शन पीरियड किस में लेना है ईयर में लेना है और जो आर है आर है ये ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक है कितना ग्रोथ होता है ये ग्रोथ ग्रोथ ऑफ ऑफ ट्रैफिक ट्रैफिक है है भाई साहब भाई साहब तो पी क्या है पी क्या है ध्यान से सुनो ध्यान सुनो पी है नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्यूमलेटिव वहीकल पर डे जी हाँ देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया इंटरेस्टिंग क्या हो गया जब तक बेसिक प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं समझोगे तब तक ये फॉर्मुला भी समझ में नहीं आएगा जैसे आज सपोज दैट सपोज दैट मैंने कोई मैं, मुझे कोई रोड बनानी है मुझे कोई रोड बनानी है तो टूडे हाँ ग्रोथ रेट क्या है मैं ग्रोथ रेट पर भी आता हूँ बच्चों ग्रोथ रेट क्या होता है कि जैसे अभी हजार ट्रैफिक है इस साल 2020 में कितना है हजार व्हीकल पर डे जाते हैं तो क्या होगा 2021 में कितना हो जाएगा हजार अस्सी व्हीकल पर डे फिर 2022 में कितने व्हीकल हो जाएंगे 2022 में कितने व्हीकल हो जाएंगे 2022 में हो जाएंगे आपको मान लो 1160 व्हीकल पर डे फिर क्या हो जाएगा फिर 1240 व्हीकल पर डे तो 8-8% का ट्रैफिक हर साल बढ़ रहा है तो दिस इज कॉल्ड इज द ग्रोथ रेट ऑफ द ट्रैफिक आर इज द ग्रोथ रेट ऑफ द ट्रैफिक तो कितना ग्रोथ है आठ परसेंट का ग्रोथ है क्यों क्योंकि हर साल जो ट्रैफिक है वो आठ परसेंट बढ़ता है बिल्कुल ट्रैफिक बढ़ेगा ग्रो करेगा दैट इज द ग्रोथ रेट अब ए और पी को समझना है ए और पी को समझना है सबसे पहले आठ परसेंट ये जनरल केस लिख दिया मैंने कुछ नहीं पता होता तो आठ परसेंट लेते हैं ठीक अब देखो करना क्या है बच्चों कि आज अगर आपने रोड आपको मान लो किसी ए पॉइंट पॉइंट से बी पर रोड बनानी है तो आपने जाके सर्वे किया तो सर्वे किया तो आज इस इस वक्त पर कितने व्हीकल जा रहे हैं हजार व्हीकल पर डे जा रहे हैं हजार व्हीकल पर डे जा रहे हैं ठीक ठीक है आज आपने सर्वे किया हजार व्हीकल पर डे जा रहे हैं लेकिन रोड जब वहां पे बनके तैयार हुई रोड जब बन के तैयार हुई तो दो साल तुमको रोड लग गए बनाने में दो साल जब रोड लग गए बनाने में और अगर आठ परसेंट से ग्रोथ हुआ तो जीरो पॉइंट तो जब 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना अगर ये हो जाएगा बारह सो चालीस व्हीकल बारह सो चालीस वहीकल या ग्यारह सो साठ वहीकल तो आप कहोगे कि हाँ भाई साहब जब आपने पहली बार काउंट किया था जब आपने पहली बार काउंट किया था ध्यान दो मेरी बात को जब आपने पहली बार काउंट किया था या जब आपने बनाना शुरू किया था मतलब उंट लास्ट काउंट का मतलब है कि इसके काउंट करने के बाद अब हम हम बनाना बनाना शुरू शुरू करेंगे तो जब हम व्हीकल हमने बनाना शुरू किया था तब तो सिर्फ पी व्हीकल थे पी व्हीकल पढ़ने जा रहे थे लेकिन जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो ए व्हीकल जाने लगे तो कहने का मतलब यह है कि जब तुमने काउंटिंग खत्म कर दी जब तुमने काउंटिंग खत्म कर दी सर्वे खत्म कर दिया और बनाना स्टार्ट किया तब व्हीकल थे पी लेकिन आर रेट से ग्रोथ होती रही और एक्स ईयर तक आप बनाते रहे ध्यान दो

तो आपका जो ए हो जाएगा ये ए इतना हो जाएगा और जो भी हो जाएगा आपका ग्यारह हो जाएगा बात समझ में आई है कि नहीं तो ए और पी समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं बोलो पहले तो ए और पी बताओ ए और पी समझ हैं कि नहीं समझ गए हैं बोलो भाई एजुकेशन हब हाँ, राजकुमार प्रसाद कनिका शा, अच्छा शाहिद आजकल आ नहीं रहा है क्लास में शाहिद की क्लास लेता हूं अभी मैं ठीक बाकी बच्चों सम, सम, में आ गया है यह चीज समझ में आ गई है बोलो कमेंट करो यस yes, सर समझ गए जी हां तो लास्ट बार जब काउंट किया लास्ट बार जब काउंट किया तो जितना ट्रैफिक है दैट इज पी लास्ट बार जब काउंट किया तो जितना ट्रैफिक है दैट इज पी और जब बन के तैयार हुआ तो जितना ट्रैफिक है दैट इज ए हा फॉर्मुला बेस्ड है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है प्रसाद ठीक है तो लास्ट बार जब काउंट किया तब ट्रैफिक है पी और जब बन के तैयार हुआ तो ट्रैफिक कितना है ए ठीक है तो आर ही ये रही रेट एक्स रहा कंस्ट्रक्शन पीरियड वेरी गुड है ना चलो तो ए मिल गया ए मिल गया आर तो कॉमन रहेगा सबके लिए अब आ जाओ एन, एन इज द अच्छा चलो दो साल तुमको लगे बनाने में तो एक्स इज पीरियड लेकिन अब वो दस साल तक सर्विस देगा तो एन इज द डिजाइन लाइफ एन जो है वो है डिजाइन लाइफ इन ईयर एन है डिजाइन लाइफ इन ईयर और वो कितने सालों तक सर्विस देगा सपोज दस सालों तक सर्विस देगा तो एन हो गया टेन ईयर ओके अब रही बात ए डी और एफ की तो ए हो गया अब आपको चाहिए डी और एफ डी और आपको चाहिए क्या चाहिए F चाहिए तो सबसे पहले तो तुम देखो एफ क्या होता है और एफ को समझो फिर उसके बाद बात करेंगे के. F क्या है आपका व्हीकल डैमेज फैक्टर अब व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या है ये आपको समझना बड़ा जरूरी है इसको समझने के लिए जब आप डेफिनेशन पे जाएंगे देन यू विल बी विली एबल टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन क्या कहती है कि क्या करो कॉमर्शियल व्हीकल कॉमर्शियल व्हीकल और रिपीटिशन किस में बताओ स्टैंडर्ड में तो देखो रिपीटिशन आंसर ये किस में है स्टैंडर्ड में फॉर्मूला में है स्टैंडर्ड में और और अकाउंट क्या करते हो कॉमर्शियल तो कहने का मेरा मतलब यह है माइडर स्टूडेंट कि तीन टन से ज्यादा तीन टन से ज्यादा जितने भी हैं सबको हम काउंट कर लेते हैं ग्रेटर देन थ्री टन वाले जितने भी व्हीकल हैं सबको काउंट कर लेते हैं और सबको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में स्टैंडर्ड में और स्टैंडर्ड में क्या होता है कन्वर्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड में टन से ज्यादा ग्रॉस लोड वाले जितने भी व्हीकल हैं सबको काउंट कर लेते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड में और जो स्टैंडर्ड लोड है हमारा आठ टन का है अस्सी किलोमीटर टन का है तो तीन टन से जो आठ टन में कन्वर्ट करेगा या फिर कोई सोलह टन में होगा ज्यादा का भी होगा चलो तीन टन से ज्यादा मतलब सोलह टन तो सोलह टन को भी तो स्टैंडर्ड में लाना पड़ेगा तो, तो दैट इज द एट टन तो जो भी व्हीकल स्टैंडर्ड में नहीं है मतलब या तो आठ टन से कम है या सोलह टन से आठ टन से ज्यादा है उन सबको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो फाइनल आंसर है है वो स्टैंडर्ड बताता तो उसको कन्वर्ट करता है कौन ये व्हीकल डैमेज फैक्टर उसको कन्वर्ट करता है कौन व्हीकल डैमेज फैक्टर ठीक है उसको कन्वर्ट करता है व्हीकल डैमेज फैक्टर तो दिस इज एक तरीके से अगर कुछ भी नहीं दिया रहे तो एक तरीके से क्या होता है ई एल एफ ही होता है क्वरेंट एक्सल लोड फैक्टर ही होता है ठीक है इक्वरेंट एक्सल लोड फैक्टर क्या करता है सबको कन्वर्ट करता है किसमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता है ठीक तो कभी कभी डायरेक्ट फैक्टर दे देगा कभी कभी नहीं देगा ठीक है तो दिस कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन देन इक्वल टू लेस और ग्रेटर देन वन कुछ भी हो सकता है लेस देन वन कब होगा जब ज्यादा से ज्यादा व्हीकल क्या होगा ज्यादा से ज्यादा व्हीकल का लोड कम होगा स्टैंडर्ड से तो लेस देन हो जाएगा और अगर ज्यादा से ज्यादा व्हीकल का लोड ज्यादा होगा एट टन से तो ग्रेटर हो जाएगा तो कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन वन ठीक है अब देखो बच्चों क्या होगा अब है ये डी डी इज वॉट डी अब डी समझना बड़ा जरूरी है हाँ ये होगा व्हीकल डैमेज फैक्टर डी इज द लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अब लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है समझो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समझ लिया तो सब आपका काम हो गया एंड दिस इज द लास्ट टर्म तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आ जाएगा अगर लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपने समझ लिया तो ये फॉर्मुला अप्लाई करना आ जाएगा। और लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर थोड़ा सा लिखता हूं तब मैं detail में इसको explain करूंगा। तो अगर मैं detail में लिखता हूं, तो डू नॉट डू नॉट लोड द रोड डू नॉट लोड द रोड रोड एट द सेम पॉइंट सेम पॉइंट पर रोड नहीं लग सेम पॉइंट सेम पॉइंट बताता हूं समझाता हूं दस दस वी टेक दस वी टेक वी टेक ओनली ओनली सर्टेन परसेंटेज ऑफ इसका मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा सर्टन परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव ट्रैफिक सर्टेन परसेंटेज क्यूमुलेटिव ट्रैफिक 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 एज डिजाइन ट्रैफिक इसका मतलब समझो देखो एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट मज़ा ही आने वाला है मजा ही आने वाला है सपोज दैट अरे यारे एक सेकेंड को कम टू हेयर ओके कम टू हेयर ओके मैंने कहा यह रही रोड यह रही रोड और यह जा रहा व्हीकल ये जा रहा व्हीकल ये जा रहा व्हीकल अब डियर स्टूडेंट अगर यह रोड रही और ये व्हीकल जा रहा तो यह कैसी रोड है पहली बात बताओ फ्लेक्बल ये कैसी पेमेंट है फ्लेक्बल ये कैसी है फ्लेक्जिबल फ्लेक्जीबल में कैसा होता है ट्रांसफर ग्रेन टू ग्रेन कैसा होता है ट्रांसफर ग्रेन टू ग्रेन मतलब कहने का मतलब है कि ये टायर जहां से जा रहा है ये टायर जहां से जा रहा है ये उन्हीं पॉइंट्स पे स्ट्रेस लगा रहा है बात मानते हो कि नहीं टायर जहां से जा रहा है ये उन्हीं पॉइंट्स पे स्ट्रेस लगा रहा है उन्हीं पॉइंट्स पे स्ट्रेस लगा रहा है मतलब बाकी पॉइंट्स की बात करूं अगर मैं बाकी पॉइंट्स की बात करूं तो बाकी पॉइंट्स आर अनस्ट्रेस्ड तो ये पॉइंट अनस्ट्रेस्ड है ये ये पॉइंट 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 अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड है 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 इन पर स्ट्रेस नहीं लग रहा तो टायर जहां से जा रहा है वो वहीं लोड लगा रहा है फिर दूसरा टायर अब ये यहां से गया इसने यहां लोड लगाया वेरी गुड अब दूसरा व्हीकल गया दूसरा व्हीकल थोड़ा किनारे से गया जब दूसरा व्हीकल थोड़ा किनारे से गया तो उसने दूसरी जगह पे लोड लगाया दूसरी जगह पे लोड लगाया तो कहने का मेरा मतलब यह कि हर व्हीकल हर वक्त एक ही जगह लोड नहीं लगाता या हर व्हीकल अगर रोड में ट्रेवल करता है तो एक व्हीकल यहां से जाएगा तो एक व्हीकल 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 यहां 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 से 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 जाएगा जाएगा तो जाएगा तो जाएगा। तो तो एक एक ऐसा पॉसिबल है या ऐसा चांस है कि सारे व्हीकल लोड के अलग अलग पॉइंट को स्ट्रेस्ड करें ठीक है क्योंकि ये ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो जिस वक्त टायर जहां होगा उसी के नीचे के ग्रेन्स में ही स्ट्रेस आ रहा होगा अगल बगल के ग्रेन्स में स्ट्रेस नहीं होगा ठीक ठीक है

तो कहने का मतलब यह है कि यही इनका बताने का मतलब है कि इनका कहना है कि हर व्हीकल हर जगह एक साथ लोड नहीं लगाता इसीलिए हम क्या करते हैं कि जितना भी व्हीकल गए हैं उनको कुछ कम मान के कर लेते हैं तो उसको हम कह देते हैं लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डी उसको हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डी ठीक है तो ये आपकी काउंटिंग को थोड़ा सा क्या कर देगा कम कर देगा ये आपकी काउंटिंग को क्या कर देगा थोड़ा सा कम कर देगा ठीक है तो दिस इज द थिंग अच्छा अब मैं आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं गेट में जितनी बार क्वेश्चन दिया है वो दिया है लेकिन अगर आप इन फैक्टर्स को जानना चाहें तो खन्ना जोस्टो में डिटेल में देख सकते हैं मैं आपको यहां पे लिखवा दे रहा हूं मैं आपको यहां पे लिखवा दे रहा हूँ चलो मैं बता देता हूं कि सिंगल कैरिज वे दो तरीके का है चलो लिखी लो सिंगल कैरिज वे है तो क्या होगा और डुबल कैरिज वे है तो क्या होगा है ना सिंगल कैरिज वे है तो क्या होगा और डुअल कैरिज वे है तो क्या होगा ठीक है अगर सिंगल कैरिज वे में सिंगल कैरिज वे में अगर मैं बात करता हूं तो सिंगल कैरिज वे में सिंगल लेन सिंगल कैरिज वे में सिंगल लेन सिंगल लेन का मतलब है कि एक ही कैरिज वे है और एक ही लेन है मतलब ये लोग कैरिज वे और ये रहा एक ही लेन जब एक ही कैरेज वे में एक ही लेन है तो ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं डी टू कितना रख देते हैं वन रख देते हैं ज्यादा रिस्क इसमें नहीं ले लेते हैं डी टू कितना रख देते हैं वन रख देते हैं करेक्ट लेकिन अगर सिंगल कैरिज वे में सिंगल कैरिज वे में कितना रहे बी की बात करता हूं डबल लेन रहे अगर सिंगल कैरेज में डबल लेन रहे तो क्या करते हैं मान लो एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ जा रहा और कैरेज वे सिंगल है सिंगल कैरेजे का मतलब समझ रहे इधर चल सकता है वाला चाहे तो इधर चल सकता है तो तो बीच में कोई डिवाइडर वगैरह नहीं है वह उसका मतलब होता है सिंगल कैरेज वे सिंगल कैरेज का मतलब है कि बीच में कोई डिवाइडर नहीं है ये वाला भाई साहब चाहे ना तो लेफ्ट की बजाय राइट में चले और ये भाई साहब चाहे तो लेफ्ट के बजाय राइट में चले कोई कहीं भी जा सकता है इसका मतलब होता है सिंगल कैरेज तो सिंगल कैरेज में अगर डबल लेन है अगर सिंगल कैरेज में कितना है डबल लेन है तो मैं डी की वैल्यू कितना रख देता हूँ डी की वैल्यू पॉइंट सेवन फाइव रख देता हूँ और अगर सिंगल कैरेज में मान लो फोर लेन है सिंगल कैरेज में कितना है फोर लेन है तो सिंगल कैरेज में अगर फोर लेन होता है तो डी की वैल्यू रख देते हैं पॉइंट फोर जीरो फोर लेन का मतलब ये है कि ये लो सिंगल कैरेज में ये दो इधर जा रहे हैं दो इधर जा रहे हैं अब ये वाला चाहे तो कोने में चल सकता है ये वाला चाहे तो यहाँ चल सकता है कोई कहीं भी जा सकता है ठीक है तो दिस मीन सिंगल कैरेज वे लेकिन डुअल कैरेज वे का थोड़ा सा मैटर अलग है डुअल का थोड़ा सा मैटर अलग है अगर डुअल लेन स्टार्ट करते हैं तो डुअल का डबल लेन का मतलब क्या ये समझो अब डुअल डबल लेन का मतलब समझो पहले तो मैं यहां पे डी की वैल्यू बता देता हूं डी की वैल्यू होगी पॉइंट सेवन फाइव होगी अगर जहां तक मैं ठीक रिकॉल कर पा रहा हूं अब इसका मतलब समझ लो डुअल कैरेज वे का तो काम आपका हो जाएगा डबल डबल कैरिज़ है डिवाइडेड कहेगा बीच में बन गया ठीक तो अगर यहाँ पे व्हीकल जा रहे हैं कितने एन वन और यहाँ पे व्हीकल जा रहे हैं अगर एन टू और अगर डी मेरा कितना है पॉइंट सेवन फाइव डी मेरा कितना है तो जो मैं ए लूंगा सही में व्हीकल लूंगा

फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं कि डी और एफ आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया डी और एफ आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया क्लियर है यस yes, राजकुमार को समझ में आ गया प्रसाद को भी समझ में आ गया और बाकी बच्चों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया वो आप मुझे बता देंगे ठीक है रिमेम्बर द कोड कम लाकर भैया है ना चलो अब आपको एक नोमेरकल कराता हूं नोमेरकल तो मेरे पास यार है नहीं न्यूमेरिकल तो मेरे पास है नहीं एक काम करता हूँ न्यूमेरिकल है नहीं का मतलब है मैं तो फ्रेम कर दूंगा न्यूमेरिकल लेकिन मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा है ना वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा सो so, मैं एक न्यूमेरिकल आपको देता हूँ चलो छोड़ो क्या ही खोजना न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल आपको जनरल में दे देता हूँ जनरल एक नोमेरिकल दे, दे देता हूँ और उससे आप सॉल्व कर लो उससे आप सॉल्व कर लो कल एक न्यूमेरिकल गेट कल आ, कल या चलो इसका भी एक प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे जब ये पेमेंट डिजाइन खत्म होगी तो एक स्पेशल क्लास प्रैक्टिस की भी रख लेंगे तो काम हो जाएगा हाँ भैया मतलब प्रैक्टिस क्लास क्या कह रहे हैं कल दस बजे सुबह में सुबह में पिछली यूनिट जो ख़त्म की है कौन सी हाईवे मटेरियल जी हाँ कल जैसे ही क्लास लूंगा क्लास के जस्ट बाद हाईवे मटेरियल के प्रैक्टिस क्वेश्चन जी हाँ सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊँगा कहाँ कराऊँगा अन अकेडमी ऐप पे अनअकेडमी तो ऐप पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्वियसली किसके रहेंगे गेट के रहेंगे तो कल आपको आ जाना है कहां पे दस बजे यहां पे ऐप पे स्पेशल क्लास है सबके लिए फ्री रहेगी तो जो पिछला यूनिट आप पढ़ चुके हो उसको फटाफट रिवाइज करके आना और यहां हम उसे रिलेटेड नुमेरिकल्स कर लेंगे यहाँ उसे रिलेटेड नुमेरिकल्स कर लेंगे है ना चलिए अब बात करते हैं एक नुमेरिकल यहां करा देता हूं आपको एक नुमेरिकल यहां करा देता हूं और आपका काम हो जाएगा ठीक है ठीक है अगर क्वेश्चन कहता हूं क्वेश्चन कहता हूं कि ऑन अ सर्वे ऑन अ ट्रैफिक सर्वे चलो एक क्वेश्चन दे एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको आंसर वेरीफाई करके बताना है मुझे ठीक है ऑन अ ट्रैफिक सर्वे ऑन अ ट्रैफिक सर्वे एट लास्ट काउंट एट लास्ट काउंट लास्ट जो में जो मुझे मिला द वॉल्यूम वॉज द वॉल्यूम वॉज द वॉल्यूम वॉज वॉज बारह सो व्हीकल पर डे बारह सो व्हीकल पर डे ओके एंड कंस्ट्रक्शन विल टेक टू ईयर एंड कंस्ट्रक्शन विल टेक टू ईयर दो साल लगेंगे कंस्ट्रक्शन बनाने में ठीक है मतलब 1200 सौ पर डे उसने काउंट किया ध्यान देना बच्चे 1200 सौ पर डे उसने क्या किया काउंट किया 1200 सौ व्हीकल पर डे और दो साल लगेंगे उसको बनाने में ठीक है सो वॉट विल बी वॉट विल बी वॉट विल बी क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल स्टैंडर्ड एक्सल जी हाँ जिसको हम कहेंगे सी एस ए सी से फॉर पेमेंट फॉर टेन फॉर टेन ईयर ऑफ डिजाइन लाइफ टेन ईयर ऑफ डिजाइन लाइफ मतलब दस सालों तक वो सर्विस देगा तो टेन ईयर ऑफ डिजाइन लाइफ इफ इफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक इज अगर ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक जो बोली है वो बोल रहा है ट्रैफिक इज आठ परसेंट तो ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक इज एट परसेंट तो व्हाट विल बी द दूमलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल ठीक है और जो व्हीकल डैमेज फैक्टर दिया है जो व्हीकल डैमेज फैक्टर जो दिया है उसको ले लो आप वन ले लो और जो लेंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिया है दैट इज उसको पॉइंट ले लो ठीक अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है अब ये क्वेश्चन नहीं किया तो भाई साहब डू मरने वाली सिचुएशन आ जाएगी मैं पहले बता दे रहा हूँ ठीक है अब देखो पी दिया है पी दिया है सारे बच्चे आंसर बताओ मिलियन में करना है मैं बता रहा हूँ पी दिया है पी कितना दिया आपका 1200 ठीक है अब आपको निकालना है ए तो क्या करिएगा 1200 सौ वन प्लस आर आर कितना आठ परसेंट जीरो पॉइंट जीरो एट रेस्ट टू आवर एक्स एक्स है टू यहां से आ जाएगा ए ठीक है अब आपको सी एस स्टैंडर्ड एक्सेल निकालना है तो थ्री सिक्सटी फाइव ए डी कितना दिया आपको डी कितना दिया है पॉइंट सिक्स जीरो एफ कितना दिया है वन पॉइंट थ्री ओके वन प्लस आर रेस्ट पावर एक्स एन तो वन प्लस जीरो पॉइंट पावर टेन वन प्लस आर ठीक है डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो एट डिवाइडेड बाई आर यही होता है पुट करो जो भी आंसर आएगा इंटू टेंथ माइनस सिक्स कर देना तो जब इंटू सिक्स कर दोगे तो मिलियन में आ जाएगा तो इंटू टेन पर माइनस सिक्स करके मुझे आंसर बताओ चलो सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर सॉल्व इट एंड टेल मी द एग्जैक्ट आंसर ओके okay, ए की वैल्यू आ गई है 1399 ठीक है ए की वैल्यू आ गई 1399 ठीक है वेरी गुड वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट ए की वैल्यू आ गई है जब 1399 तो यहां पर रखा 1399 व्हीकल पर डे अब 365 ए ए है आपका 1399 वेरी गुड डी डी कितना है 0.60 ओके एफ कितना 1.3 ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट 1 r तो 1 आर कितना आठ परसेंट जीरो पॉइंट जीरो एट रेस्ट तो और एन दिस इज एन माइनस वन डिवाइड जीरो पॉइंट इंटू टेन पॉम माइनस सिक्स कर देना है तो क्या आ जाएगा कुछ आएगा सी एस एर यही करने के दो नंबर मिल रहे हैं गेट में फ्री में यही करने के गेट में दो नंबर मिल रहे हैं भाई साहब राजकुमार का 5.77 मिलियन आया है बाकी किसी का आंसर बताओ राजकुमार कहीं गलती तो नहीं करी तुमने चलो एक काम करता हूं वेट जस्ट वेट अ सेकेंड जस्ट मेरे पास कैलकुलेटर तो है ही कैलकुलेटर hmm, तो मेरे पास है ही भले मेरे पास वो नहीं है क्वेश्चन uh, नहीं है चलिए व्हाट इज द कहाँ चला गया यार ओके okay. हाँ भाई पॉइंट फाइव थ्री थ्री अरे गड़बड़ कर रहे हो यार आप लोग आप लोग गड़बड़ कर रहे हो अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है मिलियन में बताओ ना मुझे सीधा 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 मिलियन बताओ 5.76 5.76 है मेरा आंसर ये लो सो इट मींस इट मींस जो राजकुमार ने बताया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट राजकुमार ने जो बताया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट यस तो इट इज कमिंग 5.769 हाँ ठीक है तो 5.769 को 5.77 इनटू 10 पावर 6 मिलियन 10 पावर 6 10 पावर 6 वही कल हुआ

आप राउंडिंग गड़बड़ करने में गड़बड़ हो रहा है आपसे कनिका अगर आप राउंडिंग ठीक से कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा ठीक है राउंडिंग अगर आप ठीक से कर लेंगे आंसर आंसर आ जाएगा 5.77 ही है क्योंकि ये इसमें क्या होता है थोड़ा सा दिक्कत होता है आप एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं पाओगे मतलब पहले की वैल्यू लिख ली इंटू दैट इन टू दैट इन टू दैट तो राउंडिंग हाँ गया वेरी गुड चलिए सबका आ जाएगा आंसर सो करना क्या है आपको तो दीज डिजाइन फैक्टर्स आर ओवर जी हाँ आज दो घंटे की जो क्लास हुई उसमें डिजाइन फैक्टर्स हमारे क्या हो गए ओवर हो गए हैं पूरे डिजाइन फैक्टर ओवर हो गए हैं ना व्हाट वी विल डू शाम को छह बजे शाम को छह बजे हम कॉम्पैक्शन पे न्यूमेरिकल करेंगे सॉइल के कॉम्पैक्शन पे न्यूमेरिकल करेंगे सॉयल मैकेनिक्स के सॉइल मैकेनिक्स के कॉम्पैक्शन पे न्यूमेरिकल करेंगे शाम को छह बजे ओके वेरी गुड उसके बाद कल सुबह आठ बजे हम स्टार्ट कर देंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन ओके वेरी गुड उस अच्छा ये जो कॉम्पैक्शन होगा ये अनअकैडमी ऐप पे होगा ठीक ग्रुप में आप लोग हैं ही सबको वहां पे अपडेट मिल जाएगी सुबह आठ बजे फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन स्टार्ट कर देंगे तो वहां से पढ़ सकते हैं और दस बजे हाईवे मटेरियल के न्यूमेरिकल करा दूंगा हाईवे मटेरियल के न्यूमेरिकल करा दूंगा ऑन हाईवे मटेरियल के न्यूमेरिकल करा दूंगा ऑन 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 वॉट ऑन अनकेडमी ऐप और फिर जो सॉइल का कल का शेड्यूल होगा वो आपको अपडेट हो जाएगा सॉइल कल आई थिंक बारह बजे रखूंगा और शाम को बजे कल प्लस कोर्स होगा ठीक है सो थैंक यू सो मच एवरी और दैट्स इट फॉर टूडे फ्रॉम माई साइड फॉर द पेमेंट डिजाइन फैक्टर्स आई होप एक एक डिज़ाइन फैक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक डिज़ाइन फैक्टर जो सबसे पहला आज हमने डिजाइन फैक्टर रखा था वो हमने आज हमने सीखा था दैट इज द इक्वलेंट सिंगल व्हील लोड पढ़ा बिल्कुल अच्छा हो गया फिर हमने पढ़ा था इक्वलेंट एक्सल लोड फैक्टर पढ़ा बिल्कुल समझ में आ गया फिर आपने पढ़ा था रेजिडिटी फैक्टर फिर आपने पढ़ा था ट्रैफिक फोरकास्ट ट्रैफिक फोरकास्ट ये सारी चीजें आपने पढ़ी ठीक है और ठीक है इन सारी चीजों से नोमेरिकल आता है और यहाँ से हम कर लेंगे ठीक सो so, ठीक है दैट्स इट थैंक यू थैंक यू एवरी थैंक यू राजकुमार कनिका प्रसाद एवरी युवराज ठीक है विल मीट यू टुमारो एट 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 ए एम ऑन द यूट्यूब एंड शाम को छह बजे मिलेंगे कॉम्पेक्शन का क्वेश्चन करेंगे शाम को छह बजे हम कॉम्पैक्शन का क्वेश्चन करेंगे सॉइल मैकेनिक्स में ऑन द अन अकेडमी स्पेशल एप ठीक है रिमेंबर द कोड कमलाकर वाइल्ड टेकिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर फॉर एनी प्लस ओके सो चलिए थैंक यू सो मच विल मीट यू टुमारो